हाय एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ सैलरी रिवीजन। फर्स्ट पार्ट में हमने अलाउंसेस और सेक्शन 16 डिडक्शंस के बारे में बातें की थी। देखिए, अगर एसएससी डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहा है न्यू टैक्स रिजीम, तो सेक्शन 16 में सिर्फ उसको एक ही डिडक्शन मिल सकती है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट? 50,000 रुपीज। ट्रीटमेंट दोनों में सेम है, बट न्यू स्कीम में ओनली वन डिडक्शन। वेयर एज अगर एसएससी ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहा है, तो उस केस में उसको हम बाकी डिडक्शंस भी, जैसे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, वो भी दे सकते हैं, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जिसको हम प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, हम वो भी डिडक्शन उसको प्रोवाइड करा पाएंगे, राइट? अब नेक्स्ट बातें हम बातें करते हैं परक्यूजिट्स की। परक्यूजिट्स आता है सेक्शन 17(2) में। ऑल तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपको सारे क्लॉजेज याद रखना है इसके, बट सिर्फ अगर आप परक्यूजिट्स का 17(2) भी याद रखेंगे तो दैट इज मोर देन एनफ, राइट? ओके, परक्यूजिट्स क्या होते हैं? परक्यूजिट्स होते हैं जो आपको फैसिलिटीज आपका एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। अब ये फैसिलिटीज जनरली नॉन मॉनेटरी होती हैं। नॉन मॉनेटरी से आप मतलब समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई परक्यूजिट लाइक मोटर कार फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, यानी कि आपको एम्प्लॉयर ने यूज करने के लिए मोटर कार दे दी, तो कैसे आ रही है मोटर कार? इन काइंड है, राइट? कैश में पैसे नहीं मिल रहे आपको, इन काइंड मिल रहा है, या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दीज आर ऑल नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स। तो क्या सारे परक्यूजिट्स नॉन मॉनेटरी होते हैं? द आंसर इज नो। देयर कुड बी सिचुएशंस जहां पर आपको मॉनेटरी परक्यूजिट्स भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं। कब? फॉर एग्जाम्पल उसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो किसी भी परक्यूजिट्स के इन रिस्पेक्ट में हम ले सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी है, अगर आपको कंपनी ने डोमेस्टिक सर्वेंट ही प्रोवाइड कराया गया तो दैट इज नॉन मॉनेटरी। बट ऑन द अदर हैंड कंपनी ये बोल देता है आपको, एम्प्लॉयर ये बोल देता है कि आप अपने लिए सर्वेंट खुद अरेंज कर लीजिए, उसकी सैलरी एम्प्लॉय अभी फिलहाल आप अपनी पॉकेट से ही पे कर दीजिए, और जितनी भी आप सैलरी उसकी पे करते हैं हमसे उसकी रीइंबर्समेंट ले लीजिए। तो एम्प्लॉयर वहां पर उसको रीइंबर्स कर दे देता है। तो दैट कुड बी, अब एम्प्लॉयर क्या दे रहा है आपको? कैश बेनिफिट दे रहा है कि जिस जो आपने खर्चा किया अपने सर्वेंट के ऊपर, वो पैसे आप रीइंबर्स करा रहे हैं। तो दिस इज अ मॉनेटरी परक्यूजिट। तो मॉनेटरी परक्यूजिट्स भी मिल सकते हैं, पर जनरली नॉन मॉनेटरी होते हैं, राइट? दूसरी बात, अगर आपको कोई अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने एक्सपेंसेस किए हैं, एम्प्लॉय ने कुछ एक्सपेंसेस किए अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं करे, उसको खुद कोई बेनिफिट नहीं हुआ वो खर्चा करके, सिर्फ उसने ऑफिस के लिए वो खर्चा किया, और बाद में अगर वो उसका रीइंबर्समेंट अपनी कंपनी से लेता है, तो क्या वो भी परक्यूजिट होगा? तो ऑब्वियसली नो, राइट? बिकॉज उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो उसने अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं किए थे, वो तो उसने अपनी एम्प्लॉयर के लिए, अपनी कंपनी के लिए पैसे स्पेंड किए थे। अगर उसकी रीइंबर्समेंट मिलती है तो प्लीज उसको परक्यूजिट हम कभी भी नहीं बनाएंगे, लॉजिकल है। जो हमें बेनिफिट नहीं है तो हम उसके ऊपर इनकम टैक्स क्यों देंगे, करेक्ट? राइट, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि परक्यूजिट अगर आपको एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में मिल जाए तो सैलरी इनकम होती है। ये बात यहां पर इसलिए लिखी हुई है बिकॉज हम लोग पीजीबीपी पढ़ेंगे, वहां पर हम देखते हैं कि अगर आपको कोई परक्यूजिट कोई बेनिफिट अगर इन द कोर्स ऑफ योर बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशन अपने क्लाइंट्स, कस्टमर, सप्लायर वगैरह से मिलते हैं, तो वो पीजीबीपी की इनकम होती है। तो दैट इज द रीजन वो परक्यूजिट्स आपको आपका एम्प्लॉयर दे रहा हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, तब हम सैलरी इनकम बनाते हैं। अगर वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन मिलती है तो हम उसको पीजीबीपी बनाएंगे, जो हम पीजीबीपी के रिविजन लेक्चर में देख लेंगे, करेक्ट? परक्यूजिट्स, ज्यादातर परक्यूजिट्स देखते हैं हम लोग, दीज आर फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो कुछ परक्यूजिट्स होते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ परक्यूजिट्स होते हैं वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो कौन कौन से परक्यूजिट्स पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ कंप्यूटर या लैपटॉप अगर यूज करने के लिए दे दिया तो हम उसको टैक्स फ्री परक्यूजिट मानते हैं, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाते। तो कौन कौन से परक्यूजिट्स टैक्स फ्री हैं उसकी लिस्ट हमें देखनी है, ठीक है? आप लोग रिकॉल करते रहिए साथ साथ में। दूसरी चीज होती है कि अगर कुछ परक्यूजिट्स होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होते हैं। तो एक परक्यूजिट्स आते हैं सेक्शन 17(2)(3) में, ऑल्दो सेक्शन नंबर याद नहीं है तो इट्स ओके, उसमें 5 परक्यूजिट्स आते हैं, जैसे मोटर कार फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटीज, डोमेस्टिक सर्वेंट या यूटिलिटी बिल्स की फैसिलिटीज वगैरह, तो वो भी हम देखेंगे। वो परक्यूजिट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होंगे इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है? वो 3 कुछ कंडीशंस होती हैं, वो डायरेक्टर है कंपनी का या उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या फिर उसके पास
उसकी इनकम सैलरी इनकम 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो उस केस में उसको भी हम देखेंगे कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, राइट। तो ये आपको बातें याद आ रही हैं पुरानी, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये रेंट फ्री एकोमोडेशन। देखिए शुरू से हमेशा मैं बोलता हूँ कि कुछ परिक्यूजिट्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे मोटर कार फैसिलिटी हो गया, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया, बट क्योंकि यहां पर इसमें अमेंडमेंट भी आई आ गई है रेंट फ्री अकोमोडेशन में या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन में, इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आर 2024 एग्जामिनेशंस, राइट। इसमें अमेंडमेंट क्या आई है, देखिए वो अभी हम इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली स्टैचुटरी अपडेट रिलीज किया है और वहां पर हम स्टैचुटरी अपडेट देखें, मैं एक अलग से भी क्लास लूंगा जो स्पेसिफिकली स्टैचुटरी अपडेट के लिए होगी, बट फिर भी मैं उसको हर चैप्टर में अपने रिवीजन लेक्चर में भी इनकॉर्पोरेट करते हुए चलूंगा जहां जहां पर वो चेंजेस आए हैं। तो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने स्टैचुटरी अपडेट रिलीज किया और वहां पर कुछ हमारे चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं जिसमें से सैलरी में रेंट फ्री अकोमोडेशन में चेंजेस है, तो ये अमेंडमेंट है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो ये अमेंडमेंट आपके स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट नहीं की गई थी, अभी भी आपके जो स्टडी मटेरियल जो आपको 2024 एग्जाम्स के लिए मिला होगा, स्पेशली जो मई 2024 में एग्जाम्स दे रहे हैं उनको जो मिला होगा स्टडी मटेरियल, उसमें ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट नहीं थे, उसके बाद की अमेंडमेंट है ये, ठीक है। और हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल भी है बिकॉज स्टैचुटरी अपडेट आ गया है फॉर मई 2024 एग्जामिनेशन एंड ऑनवर्ड्स, ओके। तो क्या चेंजेस आए हैं, बहुत माइनर चेंजेस हैं, कुछ परसेंटेजेस, बहुत कंसेप्चुअल चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ माइनर चेंजेस हैं, कुछ परसेंटेजेस वगैरह चेंज हुई हैं वो हमें ध्यान में रखनी होगी, ओके। सबसे पहले रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में जानिएगा, ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करके दिखा देता हूँ। देखिएगा हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में कैसे सीखते थे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, और अगर कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन है तो पहले हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी होती है और उसके बाद हम अपना कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन निकाल सकते हैं, जितना भी इंप्लॉय से रिकवर हुआ बस वो माइनस करते हैं, कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाती है, ओके। रेंट फ्री अकोमोडेशन सबसे पहले हम ये देखते थे कि क्या ये जो हमें अकोमोडेशन मिल रही है, क्या ये हमें जो इंप्लॉय है वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है। तो अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय होता था, इन केस अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय होता था तो उस केस में तो हम लाइसेंस फीस ही लेते हैं, लाइसेंस फीस, तो यहां पर कोई चेंज नहीं है, सेम है एज इट इज। गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए तो कोई चेंज नहीं है, लाइसेंस फीस हमें लेनी होती है और ये लाइसेंस फीस हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होती है, हमें वहां से ही पिक करनी होती है, तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। दूसरा, दूसरे में प्रॉब्लम नहीं है, इजी है, आपको आता है, ठीक है। अमेंडमेंट क्या है वो मैं बता देता हूं। जो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं, तो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए हम लोग ये चेक करते हैं कि वो जो अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया गया है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, राइट। आप ऐसे ही करा होगा आपने, तो इसमें हम लोग चेक करते थे कि क्या ये अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर नेक्स्ट आ जाता है हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, वहां पर डिपेंड करता था कि जिस सिटी में हमें ये अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन बेस देखते थे कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, और अगर वहाँ की पॉपुलेशन कम होती थी तो हम 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है, सैलरी में क्या क्या आएगा वो हम देखेंगे, इस सैलरी को मैं RFA सैलरी बोल देता हूँ, राइट। तो वहाँ पर बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, परक्यूजिट्स वगैरह नहीं आते हैं वहाँ पर, ठीक है, वो हम देख लेंगे सैलरी में क्या क्या आता है, बट प्लीज़ याद कीजिएगा मुझे ये आपको बताना है कि वहां पर हम पॉपुलेशन बेस देखते हैं 7.5%। अगर वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख तक है, तो देखते थे 10% ऑफ सैलरी परक्यूजिट बन जाता था, 25 लाख से भी ज्यादा था तो 15% ऑफ सैलरी परक्यूजिट बन जाता था, राइट। उस परसेंटेज में चेंज आ गए हैं। सबसे पहले तो पहले हम लोग यहाँ पर 2001 का पॉपुलेशन काउंट, यानी कि जो 2001 में सेंसस हुआ था वो देखते थे, बट अब वो कट हो गया, 2001 का नहीं देखेंगे, 2011 का देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन काउंट होता है जिसको हम सेंसस बोलते हैं, ये हर 10 साल के बाद होता है, तो 2001 के बाद वो 2011 में हुआ, तो अब यहाँ पर हम 2011 का सेंसस देखेंगे,
तो एक चेंज ये है, 2001 का सेंसस नहीं देखना, पॉपुलेशन एज पर 2001 कितनी थी, अब 2011 देखना है। फर्स्ट चेंज समझ में आ गया, बिल्कुल नॉर्मल चेंज है ये, 2011 का देखेंगे। उसके बाद अब आपकी जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया था वो थोड़ा चेंज हो गया है। क्या हो गया है वो, ये कहते हैं कि अगर पॉपुलेशन अप टू 15 लाख है, अप टू 15 लाख है उस प्लेस की जहां पर आपको अकोमोडेशन दिया गया है, एंड दिस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो हम आपके लिए टैक्सेबल करेंगे पर यूजिट 5% ऑफ सैलरी, 5% ऑफ सैलरी, या फिर मैं इसको 5% ऑफ आरएफए सैलरी भी लिख सकता, राइट तो फिर हम 5% देखेंगे। अगर पॉपुलेशन 15 लाख से एक्सीड कर जाती है और अप टू 40 लाख है, यानी कि 15 लाख को एक्सीड कर जाती है, 15 लाख से ज्यादा है और अप टू 40 लाख है, तो हम देखेंगे 7.5% ऑफ सैलरी बन जाएगा, आरएफए सैलरी बोल देता हूं। और इन केस पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख है, मोर देन 40 लाख है, तो बन जाएगा 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ आरएफए सैलरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है, प्लीज याद रखिएगा, इस पे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू तो, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर चेंजेस हैं, सैलरी का क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर एक मेजर चेंज आ गया सैलरी के आरएफए में, तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज के लिए, ठीक है। तो याद रख कर लीजिएगा 15 लाख से ऊपर, ठीक है, मैंने आपको नोट्स में भी यहाँ पे आपके बुक में भी दिया है कि अगर अप टू 15 लाख है तो 5% ऑफ आरएफए सैलरी, 15 लाख से ज्यादा है बट अप टू 40 लाख है तो 7.5% ऑफ आरएफए सैलरी, और मोर देन 40 लाख है तो 10% ऑफ आरएफए सैलरी बन जाएगा, राइट। तो पहले यहाँ पे 15 वगैरह होता था, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, ठीक है, अब आपको ये अमेंडेड चीजें याद रखनी होगी, तो 10% ऑफ आरएफए सैलरी बन जाएगा। दूसरी बात, इनकेस अगर hired by the employer है, अगर मैं यहां पर बोल देता हूं कि this is hired by the employer, owned by employer नहीं है, तो वहां पर भी एक चेंज आ गया। तो in case hired by employer है तो आप लोग ले लेंगे, क्या लेते थे पुराना क्या होता था सर, actual hire charges या actual rent paid, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, actual rent paid by the employer, और 15% ऑफ सैलरी होता था, अब उसको 15 को कट करके 10 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 10 ही जा रहा है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं मैक्सिमम तो 10 ही जा रहा है। तो चेंजेस क्या आ गए हैं, एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ आरएफए सैलरी, 10% ऑफ सैलरी भी बोल सकता हूं, बट मैं इसको एक स्पेशल नाम दे देता हूं आरएफए सैलरी, क्योंकि ऐसी सैलरी ना सिर्फ जो हम कंप्यूट करते हैं बेसिक सैलरी डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह, तो वो सिर्फ यहाँ पर ही आरएफए के लिए थोड़ा सा अलग है, बाकी चीजों के लिए अलग है, तो उसको स्पेशल नाम दे दिया मैंने आरएफए सैलरी, ओके। तो प्लीज एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ आरएफए सैलरी ही लीजिएगा, 10% ऑफ सैलरी भी जिससे भी आपने इसको करा था वैसे ही खींचेगा, अगर जिन लोगों ने मुझसे क्लास ली है वो लोग जानते हैं कि मैं इसको आरएफए सैलरी बोलता हूँ, ओके, राइट, ठीक है। थोड़े बहुत चेंजेस और हैं, बट सबसे पहले ये फर्स्ट चेंज सबको समझ में आ गया, ये चेंजेस क्या है। तो यहाँ पर आप लोग लेंगे, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो वैल्यू ऑफ आरएफए 5%, 7.5%, 10% ऑफ सैलरी हो सकती है, डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर, 15 लाख से ज्यादा नहीं है पॉपुलेशन, अप टू 15 लाख है तो 5% लेना है, 15 लाख से ज्यादा है अप टू 40 लाख तक तो 7.5% लेना है, मोर देन 40 लाख है पॉपुलेशन तो 10% लेना है एज पर 2011 सेंसस, 2001 नहीं 2011 सेंसस, राइट। और अगर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है, मतलब हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो एक्चुअल हायर चार्जेस या एक्चुअल रेंट पेड कुछ भी बोल सकते हैं, और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर लेना है, क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ अगर फर्नीचर भी प्रोवाइड किया जाता है तो आपको पता है कि फर्नीचर की वैल्यू हम अलग से भी ऐड कर देते हैं, या तो आप रेंट फ्री अकोमोडेशन में ही ऐड करते हुए दिखा सकते हैं, या फिर आप अलग से अपने जब आंसर लिखेंगे या अपनी लिस्ट बनाए तो आप अलग से भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसा देना चाहते हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो फर्नीचर का परक्विजिट भी ऐड कर दीजिएगा। फर्नीचर के परक्विजिट कैसे कैलकुलेट होता था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले जैसे ही है। अगर वो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हमें पता है फिर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, 10% पर एनम है ये,
पर एनम में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल 7 months, 8 months, 9 months के लिए प्रोवाइड किया गया तो अकॉर्डिंगली 7/12, 8/12, 9/12 इस तरीके से करके निकाल लीजिएगा, बिकॉज 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेनी होती है. एक्चुअल कॉस्ट मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू या ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट, राइट. दूसरी चीज, अगर ये फर्नीचर एम्प्लॉयर का ओन्ड नहीं है, उसने आपको हायर कर अरेंज करके दिया है, तो उस केस में हम एक्चुअल हायर चार्जेस लेते हैं. तो तीनों ही केसेस में, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो फर्नीचर की वैल्यू अलग से आप ऐड करेंगे हर केसेस में, करेक्ट. तो एक अमेंडमेंट ये थी, ये हमने कर ली है, फर्नीचर के बारे में हम जानते हैं. दूसरी बात, अगर आपको अकोमोडेशन होटल में दिया जाता है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, इंक्लूडिंग अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं उसको भी होटल में अकोमोडेशन दिया जाता है, तो उस केस में हम लोग सेम रहता है यहाँ पर एक्चुअल होटल चार्जेस या एक्चुअल हायर चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी. ठीक है, 24% पहले भी सेम था, पहले भी यही था और अभी भी यही है, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं है, करेक्ट. एक चीज याद कर लीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का ट्रांसफर किया जाता है और उसको हम 15 डेज तक हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, पूरे हमने 15 डेज से ज़्यादा नहीं किया है, तो उस केस में 15 डेज तक एग्जेम्प्ट होता है. बट अगर 15 डेज से ज़्यादा अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है तो टैक्सेबल हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर 16 डेज तक किया गया, तो क्या हम ऐसा है कि 15 डेज के एग्जेम्प्ट करेंगे और सिर्फ 1 डे जो एक्सेस डे है उसका टैक्सेबल करेंगे? द आंसर इज नो. अगर 15 डेज से ज़्यादा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उस केस में फिर पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा एंटायर 16 डेज है अगर, तो फिर पूरा का पूरा 16 डेज के लिए टैक्सेबल करिएगा. ठीक है, कहने का मतलब है कि अप टू 15 डेज तक है तो छोड़ दीजिए, 15 डेज से ज्यादा है तो फिर पूरा टैक्सेबल करते हैं, करेक्ट. एक चेंज और आया और वो काफी इंपॉर्टेंट चेंज है, बट क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस ईयर के लिए 2024 एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं होती है, तो शायद इससे क्वेश्चन ना आए. प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, बट हाँ थ्योरेटिकल आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है. कुछ कैपिटल गेन के कंसेप्ट, जो CII होता है ना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उसके कंसेप्ट कुछ यहाँ पर हम सैलरी में ले आए हैं. तो RFA में चेंज एक और आया है, मेजर चेंज है. नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स 2025 और उसके बाद एग्जाम्स देंगे उनसे तो ये प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाकर. बट हाँ 2024 एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिकल इसकी अप्लाई नहीं होता है. रीजन क्या होगा अभी आपको पता भी चल जाएगा, बट हाँ थ्योरेटिकल आपसे ही पूछा जा सकता है. इसको मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं टाइम लगाकर आपको के साथ डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट MCQ थ्योरेटिकल तो आ ही सकता है. सबको पता है कि CII क्या होता है, ठीक है, कैपिटल गेन आप सब लोग कर चुके हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स. इस साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? 348, राइट. ऑल्दो आपको याद नहीं करने होते हैं, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको गिवन होंगे, बट स्टिल हमें इस साल का तो याद होना चाहिए. दिस इज प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए जो CII है वो 348 है, और ये हर साल थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है. तो जो नेक्स्ट ईयर का आएगा वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा बढ़ा आएगा क्योंकि महंगाई हर साल बढ़ती है, इन्फ्लेशन बेस्ड होता है ये, ठीक है. तो नेक्स्ट ईयर का क्या होगा अभी हमें पता नहीं है, अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसको रिलीज़ भी नहीं किया है, ठीक है. जनरली वो रिलीज़ करते हैं हर साल जून या जुलाई के आसपास वो रिलीज़ करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर का अभी हमें पता नहीं है. इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट ईयर का अभी हमें पता नहीं है, इसीलिए हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इस साल नहीं आएंगे हमारे लिए, बट हाँ जो 2025 ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स एग्जाम्स देंगे उनके लिए प्रैक्टिकल भी आ जाएगा. मुझे ये बताइए, कैपिटल गेन में जब आप किसी भी कॉस्ट को इंडेक्स करते थे, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा मैं कैपिटल गेन का सारा ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ बट प्लीज इसको थोड़ा लॉजिक से समझिए कि एक्चुअली ये क्यों बना होगा. अगर आपको किसी भी चीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, थोड़ा आपको लगेगा कि मैं कैपिटल गेन पढ़ा रहा हूँ बट फिर भी उससे उसको बेस लेकर समझ लेते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए. अगर किसी भी चीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एग्जाम्पल 1 lakh rupees है और हमने इसको एक्वायर करा था 1-2-3 साल पहले कभी, और उस ईयर का जो CII था जिस साल हमने इसको एक्वायर किया था उसका लेट से CII था, मैं रेंडमली कुछ भी ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 200 इसका CII था जब हमने इसको एक्वायर किया. अब मैं बोलता हूं कि इस कॉस्ट को फॉर एग्जाम्पल अब 2-3 साल आगे आप जा चुके हैं और मैं आपसे ये बोल देता हूं कि इस 1 lakh rupees को प्लीज इंडेक्स कर दीजिए कि अब वो इस ईयर में 3-4 साल के बाद अब उसकी कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन क्या होगी. सर सिंपल है ये तो, हम लोग अच्छे से जानते हैं. और मैं मान लेता हूँ कि अब ये आपका फर्स्ट ईयर था, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट ईयर था
और अब मैं आपके लेट्स से हम फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर में आ गए हैं, लेट्स से फोर्थ ईयर में हम आ गए हैं अब, ठीक है, अब मान लेते हैं अभी 4 साल पूरे हो चुके हैं इसको एक्वायर करे हुए, और हम इसको इंडेक्सेशन कर रहे हैं, और इस साल का मैं सी आई आई फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये रैंडमली में दे रहा हूँ सी आई आई, लेट्स से इस साल का सी आई आई है 280, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो प्लीज बताइए इस 1 लाख को अगर इंडेक्सेशन करेंगे तो आप कैसे करते हैं? सर बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं, हम लोग करेंगे 280 डिवाइडेड बाय 200 इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख, राइट, कितना है ये 280 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 1 लाख, 1,40,000 आ रहा है, तो दिस इज 1,40,000, आपने क्या किया इस 1 लाख को इंडेक्स कर दिया, और फोर्थ ईयर में उसकी जो इंडेक्सेशन कॉस्ट है वो 1,40,000 आ रही है। ऐसे ही हम लोग कैपिटल गेन में करते हैं। फॉर्मूला क्या लगाया हुआ आपने सर? सिंपल है, सबसे न्यूमरेटर में रखते हैं हम सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि इस ईयर का सी आई, फोर्थ ईयर का सी आई डिवाइडेड बाय सी आई ऑफ द ईयर इन विच इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, या फिर ऐसे कह सकते हो सिंपल टर्म्स में सी आई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, आपने कभी एक्वायर किया था, इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस समय की कॉस्ट क्या थी, राइट। तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपको रिवाइज कराने के लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करा होगा, यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला होगा सी आई आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन सी आई आई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है, फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी या फिर एक्विजिशन में बोल सकता हूँ, आप वो मंजुला जेशा वाला कंसेप्ट भी जानते होंगे, इनटू, ठीक है अभी छोड़िए इसको, मैं वो कैपिटल गेन में डिस्कस कर लूंगा, इनटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करा और 1,40,000 कॉस्ट निकाल दी थी। मुझे लगता है यहाँ तक तो बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, बिल्कुल जो अमेंडमेंट आई है ना बिल्कुल इसको बेस करके आई है। अब हुआ क्या, अब मैं इसी को ही थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, किस ईयर में ट्रांसफर किया आपने, फोर्थ ईयर में, मैं बस इसको थोड़ा सा इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ आपके लिए, फोर्थ ईयर में ट्रांसफर करा तो मैं सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ना लिख के ऊपर न्यूमरेटर में लिख देता हूँ सी आई ऑफ द ईयर ऑफ फोर्थ ईयर, ठीक है, सी आई ऑफ फोर्थ ईयर या करंट प्रीवियस ईयर, अगर हम इस ईयर कर रहे हैं तो इस ईयर का सी आई आई लिख दीजिएगा, ठीक है सर। वो तो कभी कभी हम कैपिटल गेन में ऐसा भी होता था कि कभी कभी ट्रांसफर पहले किया था और हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी किसी और ईयर में करते थे, तो फिर हमें हमेशा न्यूमरेटर में सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर लेना चाहिए। आई एग्री विद यू, वो कैपिटल गेन था, बिल्कुल सही बात है, बट जनरली स्पीकिंग अगर मैं नॉर्मली बातें करता हूँ तो जिस साल हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जनरली ज़्यादातर तो तभी उसी ईयर का सी आई आता है ना, वो तो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जैसे कंपल्सरी एक्विजिशन 2 साल पहले हुआ था बट उसके पैसे रिसीव हुए 2 साल के बाद, फिर हम अकॉर्डिंगली उसको करते थे, न्यूमरेटर में सी आई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर ही लेते थे, बट फिर भी मैं इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, करेक्ट। तो न्यूमरेटर में हम लोग ले लेते हैं सी आई ऑफ दिस ईयर, सी आई ऑफ दिस ईयर यानी कि सी आई ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं सी आई ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिस साल हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि इस साल का सी आई है 280 न्यूमरेटर में रखा, सी आई ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन जब हमने इसको एक्वायर किया था उस साल का सी आई क्या था 200 इंटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,40,000। अब मैं इसको सैलरी में चेंज कर, अब सैलरी में क्या कंसेप्ट आया, सैलरी में ये कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय आपको एक एम्प्लॉयर ने घर दिया हुआ है जो पिछले 2-3 साल से आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, पिछले साल से भी होल्ड कर रहे थे, सेम ईयर सेम वर्क सेम घर आप कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी, और मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ठीक है, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। इमेजिन कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी ज्वाइन की, लेट्स से आपने मारुति ज्वाइन करी, मारुति सुजुकी आपने ज्वाइन कर ली और एज अ फाइनेंस मैनेजर आपने ज्वाइन की और आपको एक अच्छा सा घर कंपनी ने प्रोवाइड भी किया, जो आपका कंपनसेशन पैकेज था उसमें बोला गया था कि आपकी सैलरी इतनी होगी, आपके अलाउंसेस इतने होंगे और साथ साथ में हम आपको एक 2 रूम अपार्टमेंट, 2 रूम फ्लैट या 3 रूम फ्लैट ये आपको भी देंगे, तो आपको वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहां पर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, नाउ यू आर वर्किंग विद मारुति। प्लीज मुझे बताइए नेक्स्ट ईयर भी आप उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आप अगले 3-4 साल तक उस कंपनी के साथ काम करेंगे, राइट, तो प्लीज बताइए नेक्स्ट ईयर
क्या वो कंपनी आपको फिर दूसरा घर देगी? द आंसर इज नो। जो उसने वो घर दिया था जनरली वही कंटिन्यू रहता है। हाँ, 4-5-6 साल के बाद हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, फिर आपको दूसरा बड़ा घर मिल जाए, वो अलग बात है। बट नॉर्मली अगर मैं बातें करता हूँ तो जो घर आपको दिया जाता है वो अगले 4-5 साल तक कंटिन्यू रहता है, अगर आप वहां पर जॉब कर रहे हैं तो। सेम कंसेप्ट यहां पर लाया गया। यहां पर यह बोला गया कि अगर असेसी, अगर एम्प्लॉय, आप सेम घर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो आपने लास्ट ईयर घर था, अगर आप सेम घर को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको एक और वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। आपको उस वैल्यू जो आपने लास्ट ईयर जब आपको घर मिला था उस साल का जो अकोमोडेशन की वैल्यू थी उसको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा अभी मैं आगे बता भी देता हूं। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मैं सेम बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया था ना, सेम कंसेप्ट अब मैं सैलरी में फॉलो कर रहा हूं। लेट्स से ये कोई फर्स्ट ईयर है, आपको यहां पर घर दिया गया था, यहां पर आपको घर दिया गया था, और उसकी परक्यूजिट वैल्यू जब आपने आरएफए की वैल्यू कंप्यूट की थी, इस परक्यूजिट की वैल्यू कंप्यूट की थी, लेट से वो आई थी 60,000, वो 60,000 वैल्यू थी, और इस साल का सीआईआर था, जिस साल ये आपको प्रोवाइड किया गया था, इस साल का सीआईआर था 348। सर वो तो इस साल करंट ईयर का भी है, कोई बात नहीं, मैंने रैंडमली ले लिया, वो 348 था। प्लीज मुझे बता दीजिएगा सेकेंड ईयर में का जो सीआईआर है, मैं बहुत रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत रैंडमली ले रहा हूँ, लेट्स से वो 360 है, वो 360 है। प्लीज मुझे बता दीजिएगा 60,000 को अगर इंडेक्सेशन करेंगे नेक्स्ट ईयर में तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी? सिर्फ आपको 60,000 को इंडेक्सेशन करना है। आंसर सॉरी, 60,000 को इंडेक्सेशन कीजिएगा। सर सिंपल है, हम लोग करेंगे सीआईआर ऑफ सेकेंड ईयर, जो इस साल का सीआईआर है 360, डिवाइडेड बाय जब ये हमें घर मिला था उस साल का सीआईआर क्या था, उस साल का सीआईआर था 348, बिल्कुल सेम कंसेप्ट, 348 इंटू 60,000, तो उस साल का जो परक्यूजिट वैल्यू थी वो 60,000 रुपीज़ की थी। तो उसको इंडेक्सेशन अगर आप करेंगे तो 360 डिवाइडेड बाय 348 इंटू 60,000, तो ये आ जाता है 62,068.9, तो मैं 069 लिख लेता हूँ, यानी कि 60,000 की इंडेक्सेशन आ जाती है 62,069 अगर आप सेकेंड ईयर का इंडेक्सेशन करके निकालेंगे। ठीक है, इंडेक्सेशन करना आ गया, तो मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं यूज किया, मैंने आपको सेम फॉर्मूला यूज किया जो आपको पहले, आपका जो आप कैपिटल गेन में फॉर्मूला यूज करते थे इंडेक्सेशन का, आई हैव यूज दैट सेम फॉर्मूला। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज किया है, जिस साल आप इंडेक्सेशन कर रहे हैं उस साल का सीआईआर न्यूमरेटर में रखिए, डिनोमिनेटर में लिखिए जिस साल आपको ये फर्स्ट टाइम घर मिला था 348 इंटू उस साल की वैल्यू क्या थी, उस साल की वैल्यू क्या थी, इंडेक्सेशन आ जाएगा। और लेट से अगर मैं इसको थर्ड ईयर में इंडेक्सेशन कर रहा हूँ, लेट से मैं सेकेंड ईयर में नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट से मैं थर्ड ईयर में इंडेक्सेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में घर मिला था और वो अभी तक थर्ड ईयर तक वही कंटिन्यू हो रहा है, तो इसकी इंडेक्सेशन कैसे करेंगे आप थर्ड ईयर में? लेट से थर्ड ईयर का सीआईआर है, लेट से फॉर एग्जाम्पल 384, रैंडमली मैंने लिया है, तो अगर आपको जो जब आपको घर फर्स्ट टाइम मिला था, उसकी वैल्यू क्या थी 60,000, अगर मैं बोलूंगा कि इसको इंडेक्स करके बताओ कि थर्ड ईयर में इसकी इंडेक्सेशन वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स्ड आरएफए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर करंट ईयर का जो थर्ड ईयर का सीआईआर है वो है 384 डिवाइडेड बाय जब ये हमें घर मिला था उस साल का सीआईआर क्या था, वो था 348, राइट, इनटू उस साल की वैल्यू क्या थी। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, उस साल की वैल्यू लेकर आइए, तो उस साल की आरएफए वैल्यू क्या थी, लेट्स से वो 60,000 रुपीस थी, तो आपका आ जाता है 384 डिवाइडेड बाय 348 इनटू 60,000, सो दिस इज 66,206.8, तो 207 लिख देता हूँ, चलिए मैं इसको राउंड ऑफ करके। तो आप कह सकते हैं सर ये तो बहुत इजी है निकालना, हम लोग निकाल लेंगे, ये तो आता है हमें, ओके, बस यही करना है। इन्होंने यहाँ पर एक अमेंडमेंट लेकर आए, कि अब जब भी आप, अगर ऐसा सिनेरियो हो कि आपको ऑलरेडी एम्प्लॉय एक घर मिला था
जो आप इसको सब्सिक्वेंट ईयर में भी कंटिन्यू कर रहे हो, सेम घर को आप, सेम अकोमोडेशन को आप सब्सिक्वेंट ईयर में भी कंटिन्यू कर रहे हो, तो जब आप अपनी आरएफए की वैल्यू निकालिएगा, इट कैन नॉट एक्सीड द इंडेक्स्ड वैल्यू, इट शैल नॉट एक्सीड द इंडेक्स्ड वैल्यू। यानी कि अब जब आरएफए की कंडीशन जब निकालिएगा तो उसकी इंडेक्स्ड वैल्यू को भी कंसिडर कीजिएगा, और आपकी जो नेक्स्ट ईयर की जब भी आरएफए वैल्यू आएगी, इट शुड नॉट एक्सीड दैट इंडेक्स वैल्यू, राइट। इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आप बताएंगे बनाएंगे तो आप खुद बना सकते हैं फॉर्मूला। 384 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, वो इस ईयर का सी आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड ईयर में इंडेक्सेशन कर रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ इसको न्यूमरेटर, देखिए न्यूमरेटर खुद ही फॉर्मूला बनाइए, सी आया ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आप इंडेक्सेशन कर रहे हैं, लेट्स से थर्ड ईयर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 348, डिनोमिनेटर में 348 क्या चीज था, जब हमें ये घर फर्स्ट टाइम मिला था, तो सी आई ऑफ द फर्स्ट ईयर इनटू 60,000, 60,000 क्या था सर, परक्यूजिट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर की परक्यूजिट वैल्यू थी उसको इंडेक्सेशन कर रहे हैं, परक्यूजिट वैल्यू When of the first year बोल सकता हूँ, या when this house was acquired, ठीक है, जब आपको ये acquired का मतलब आपने खुद acquire नहीं किया था, जब आपको ये accommodation मिली थी, तो perquisite value of first year, तो अगर आप ये formula लगाएंगे तो आपको ये perquisite value मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको index value मिल जाएगी, sorry, ठीक है, आपको indexation value मिल गई, clear हो गया। अब इन्होंने ये बोल दिया कि अब आप ये भी अप्लाई करेंगे, आपकी परक्यूजिट वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यहां पर एक लिमिट लगती है, बट ये अमेंडमेंट आई है फ्रॉम दिस ईयर, ये इस ईयर से अमेंडमेंट आई है, यानी कि फर्स्ट ईयर में इस साल तो अगर हम इंडेक्सेशन भी करेंगे तो फर्स्ट ईयर का इस साल का इंडेक्सेशन वैल्यू न्यूमरेटर में भी 348 रहेगा, डिनोमिनेटर में भी 348 रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर, इन्होंने ये भी बोला कि अमेंडमेंट में कि वो फर्स्ट ईयर कम से कम इससे पहले का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अमेंडमेंट इसी साल से आई है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली इस साल तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि आप इस साल इसका इंडेक्सेशन नहीं कर सकते, बट हाँ जब फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स 2025 में या उसके आगे एग्जाम देंगे, वो लोगों के लिए अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि इंप्लॉय को एक घर मिला हुआ था इस ईयर से, इस प्रीवियस फॉर एग्जांपल 2023-24 से, और वो लोग इसका इंडेक्सेशन 24-25 में करना चाहते हैं, तो उनके पास तो सीआईआई होगा, अभी तो मैंने रेंडमली लिया, तो उनके पास तो सीआईआई होगा, तो इसीलिए क्योंकि ये अमेंडमेंट ही इसी साल से आई है, तो अब जो डिनोमिनेटर में कभी भी हम प्रीवियस ईयर 2023-24 से पहले जा ही नहीं सकते, तो दैट इज द रीजन कि इस साल तो इंडेक्सेशन नहीं हो पाएगी, बट हाँ नेक्स्ट ईयर वगैरह इंडेक्सेशन हो जाएगी। बट थ्योरेटिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कभी भी आज ये परक्यूजिट वैल्यू उसकी इंडेक्स्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हम कैसे करेंगे, बट ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, ये भी समझना जरूरी है कि ये लॉ मेकर्स ने ये अमेंडमेंट क्यों की। देखिए अब इसको और प्रैक्टिकली मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। आई अंडरस्टैंड रिविजन क्लास है, बट ये अमेंडमेंट तो आई बिलीव ये अभी तक आपने की नहीं होगी, तो इसलिए इसको समझ लीजिए ठीक से। तो लेट्स से एक असेसी है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सुमित है, इन्होंने मारुति लिमिटेड को ज्वाइन किया, ही हैज ज्वाइन मारुति लिमिटेड, और जो इनकी सैलरी है इस ईयर की फॉर एग्जाम्पल 2023-24 की, इनकी जो सैलरी है वो 10 लाख है, इनको 10 लाख है, और साथ साथ में हमने इनको एक अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की गई है, इनको एक अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की गई है विच इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, राइट। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इनकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ है और हमने इनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की गई है, तो प्लीज जल्दी से मुझे इनकी परक्यूजिट वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इनकी आरएफए का वैल्यू बन जाएगी, बिकॉज इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक्चुअल रेंटल चार्जेस या एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ आरएफए सैलरी विच एवर इज लोअर, ये हम हमारे पास आके पहले 15 लेते थे, अब वो 10 हो गया, 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो लेट्स से इसके एक्चुअल रेंटल चार्जेस, कंपनी जो इसके पे करती है वो लेट्स से
2.5 लाख रुपीज पे करती है, 2.5 लाख, और 10% ऑफ आरएफए सैलरी, 10% ऑफ आरएफए सैलरी हो जाएगा। लेट्स से सैलरी की डेफिनेशन में काफी सारी चीजें आती है, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट वगैरह, मैं उसको फिलहाल 10 लाख ही ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम्पल मैं उसको 10 लाख रुपीज ही ले रहा हूँ। तो 10% ऑफ 10 लाख ये हो जाता है 1 लाख। जल्दी से 1 लाख को और एक्चुअल हायर चार्जेस 2.5 लाख को कंपेयर कीजिए, तो हमारा आंसर आ जाता है कि हमारी आरएफए की वैल्यू बन जाती है 1 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्यूट कर देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, लेट से हमने सुमित को की सैलरी को इंक्रीज कर दिया, नेक्स्ट ईयर सुमित की सैलरी इंक्रीज हो गई, इनको घर वही प्रोवाइड किया हुआ है बट इनकी सैलरी इंक्रीज हो गई। लेट से इनकी सैलरी हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर लेता हूं इनकी सैलरी हमने कर दी है 16 लाख, इनकी सैलरी हमने 16 लाख रुपीज की कर दी है, अकोमोडेशन इनको सेम प्रोवाइड किया गया, यानी कि इनकी सैलरी में तो चेंजेस आए हैं बट इनके घर में जो हमने प्रोवाइड किया था उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। बट उसके चलते क्या होगा, जब हम यहां पर आरएफए की वैल्यू निकालेंगे इनकी, तो एक्चुअल हायर चार्जेस में मानते हुए चल रहा हूं वही वाले हैं 2.5 लाख, या हो सकता है कि थोड़ा बहुत किराया बढ़ गया हो, ठीक है, ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड होगा जिसने ये घर प्रोवाइड कराया गया होगा उसने थोड़ा किराया भी बढ़ा दिया होगा। लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 10% किराया भी बढ़ गया है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अब हो गया 2,50,000 लास्ट ईयर था, 25,000 इसमें मैं और बढ़ा देता हूँ, लेट से बहुत प्रैक्टिकली चल रहा हूँ इस समय में, ठीक है, 2,75,000 इसके एक्चुअल हायर चार्जेस हो गए, और 10% ऑफ सैलरी, क्योंकि अब ये 16 लाख है सैलरी अब इनकी, मैं मान लेता हूँ यही आरएफए सैलरी है, तो 10% ऑफ सैलरी हो जाएगी 1,60,000, विच एवर इज लोअर 1,60,000, यानी कि यहां पर आरएफए की वैल्यू आ जाती है 1,60,000 रुपीज की, एग्री है। अब प्लीज मुझे जरा प्रैक्टिकली टेक्निकली बताइए जरा सोच के कि लास्ट ईयर जो आरएफए की वैल्यू थी वो 1 लाख थी, ठीक है, और इस साल जो आरएफए की वैल्यू है वो 1,60,000 है, 1,60,000, यानी कि 60% का जंप हो गया, 60%, और क्या घर आपको कोई और मिला हुआ या सेम घर कंटिन्यू कर रहे हैं आप, सेम घर कंटिन्यू कर रहे हैं। असेसी बोलेगा सर देखो महंगाई बढ़ी है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ लगभग 10% से अगर महंगाई बढ़ी है तो ये वैल्यू 1 लाख से थोड़ा सा ज्यादा होके 1,10,000 हो जाती है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 10% आपका किराया भी बढ़ गया तो ये वैल्यू को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए था, सिर्फ 10% बढ़ाते आप, बट क्योंकि हाँ यहाँ पर सैलरी बढ़ने की वजह से ये आरएफए की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और इनको कोई नया घर तो मिला नहीं है, इनको सेम पुराना घर मिला है, तो यहाँ पर एक चेंजेस बहुत अच्छा चेंज किया गया एक्चुअली इन्फ्लेशन के हिसाब से इनमें चेंजेस किया गया कि अगर असेसी सेम अकोमोडेशन कंटिन्यू कर रहा है, अगर असेसी सेम अकोमोडेशन कंटिन्यू कर रहा है तो हम उसकी अब जब आरएफए निकालेंगे तो उसमें एक और लिमिट लगा देंगे। हम एक और लिमिट क्या लगाएंगे कि जब आपको फर्स्ट टाइम ये घर प्रोवाइड किया गया था उसको आप इंडेक्सेशन, यानी कि अभी हम क्या करते थे एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, अब एक और लिमिट देखेंगे, कौन सी लिमिट देखेंगे, इंडेक्स्ड वैल्यू, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर। अब इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको इंडेक्स वैल्यू निकालना सिखाया, फॉर एग्जाम्पल जो नेक्स्ट ईयर का जो सी आई आई है लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूँ वो है 362 और इस ईयर का 348 था लेट से, तो अब आप क्या करेंगे इसकी इंडेक्स वैल्यू भी निकालिए। इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर बहुत ईजी है, 362 करंट ईयर का सी आई आई डिवाइडेड बाई सी आई आई ऑफ द ईयर इन विच इट वॉज फर्स्ट गिवन टू अस, तो फर्स्ट ईयर का सी आई था 348 इंटू फर्स्ट ईयर का जो आर एफ ए की वैल्यू थी वो कितनी थी 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का आप इंडेक्सेशन करेंगे 362 डिवाइडेड बाय 348 इंटू 1 लाख, तो ये आ जाएगा 1,04,023, यानी कि आपका अब इन तीनों में से लीस्ट, यानी कि इन तीनों में से 275 10% ऑफ सैलरी 16 लाख था, 16 लाख का 10% 1,60,000 और रुपीज 1,04,023 विच एवर इज लोअर,
तो इस साल जो सीआईआई बनेगा वो 104,023 बनेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा चेंज किया गया है और आई बिलीव आप ये लॉजिकली भी समझ गए होंगे कि ऐसा चेंजेस क्यों किए गए, समझ में आ गया। इसको हम डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे बट वो एक्चुअली रटना हो जाता लॉ को, बट हम लोग प्लीज ऐसा नहीं चाहते हैं, उसको कंसेप्चुअली हमें अच्छे से चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये इस साल अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये चेंजेस इसी साल से आए हैं, तो हम इस साल तो इंडेक्सेशन कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें आगे के इंडेक्सेशन रेट दिए हुए नहीं है। तो हाँ, जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट 2025 में 2026 में या आगे जब एग्जाम्स देंगे उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, बट आपके लिए थ्योरेटिकली ये अप्लाई हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आपको इंडेक्सेशन निकालना भी आ गया कि इंडेक्सेशन कैसे निकालेंगे आरएफए का और ये क्यों कर रहे हैं ये भी पता चल गया, ठीक है। आपको एग्जामिनर क्यों कर रहे हैं ये तो पूछेगा नहीं, बट हमें अपनी नॉलेज के लिए एक्चुअली अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, ये मैंने आपके बुक में भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है चेंजेस, इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट। इफ सेम, दिस इज पेज नंबर 3.10, इफ द सेम अकोमोडेशन इज कंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 year, then the value of perquisite is restricted to CII. अगर वो same accommodation continue हो रही है more than 1 year, तो आपकी जो value होगी वो restricted होगी up to the CII. कैसे निकालेंगे वो? maximum हम RFA कितना provide कर सकते हैं आपको? CII of the previous year, जिस साल का आप CII, जिस साल आप indexation कर रहे हैं वो numerator में लिखिएगा, divided by CII of the first previous year, जिस साल आपको first time मिला था, into RFA perquisite value of the first year. Clear हो गया? So this was important. Okay, RFA की सैलरी में हम क्या क्या लेते हैं वो आपको पता है। बेसिक सैलरी लेते हैं, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर क्वेश्चन में रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में नहीं लिखा हो गया तो प्लीज DA को इग्नोर कर दीजिएगा, फिर DA मत लीजिएगा। DA तभी लेना है आपको अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट यहाँ पर लिखा होगा। प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस बोनस, प्लस फीस कमीशन, ठीक है। फीस कमीशन, हर तरह की कमीशन यहाँ पर, सिर्फ परसेंटेज ऑन टर्नओवर नहीं, किसी भी तरह की कमीशन आपके आरएफए वैल्यू की बनती है। प्लस एनी अदर कैश पेमेंट लाइक रेगुलर पेंशन, लीव, सैलरी, एक्सग्रेशिया वगैरह भी इंक्लूड करना है जो आपको रेगुलर मिलती है। रेगुलर मतलब हर साल वाली करती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाली नहीं है, जब आपको हर साल इनकैशमेंट कराते हैं वो वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है। तो मेनली इसमें क्या क्या आता है एग्जाम में, इसमें एग्जाम में आ जाता है बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। बोनस वगैरह मिल रहा है उसको भी ऐड कर लीजिएगा, राइट। परक्यूजिट्स की वैल्यू या रिटायरमेंट बेनिफिट की वैल्यू आरएफए सैलरी में इंक्लूड मत कीजिएगा। तो जब कभी भी आप 5%, 7.5% या 10% ऑफ सैलरी निकालें तो आपको ये सैलरी लेनी है। और हाँ, अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर काम कर रहे हैं तो उसकी सैलरी भी इंक्लूड करनी है आरएफए की वैल्यू बनाते समय, राइट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जितने पीरियड का आपको अकोमोडेशन मिला है उसी पीरियड की सैलरी लीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक गलती कर देते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी कभी हमें एडवांस में सैलरी मिल गई है तो स्टूडेंट्स वो एडवांस सैलरी को भी आरएफए सैलरी में इंक्लूड कर देते हैं। प्लीज वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आरएफए की वैल्यू, आरएफए आपको अगर 12 महीने के लिए प्रोवाइड किया गया है तो फिर आपकी जो जितनी भी आरएफए सैलरी में कंपोनेंट्स लीजिएगा वो उसी 12 महीने के लीजिएगा, राइट। वो उसी 12 महीने के लीजिएगा। अगर आपको कोई एडवांस में चीजें मिल गई हैं या पुरानी चीजें कोई एरियर्स में भी इस साल मिल गई थी उसको प्लीज इंक्लूड मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, तो मैंने लिखा हुआ फिफ्थ पॉइंट में, सैलरी ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। इफ द एम्प्लॉय साइमल्टेनियसली वर्किंग विद मोर देन वन एम्प्लॉयर तो आपको फिर सारी सैलरी इंक्लूड करनी होती है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट टू प्लेसेस, अगर दो जगह पर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो आप लोग जानते हैं फर्स्ट 90 days तक हम लोग सिर्फ एनी वन कंप्यूट करते हैं, एनी वन, ठीक है। ऐसा होता था पहले यहाँ पर एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी, ठीक है, वो एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी कोई एक, शुरू के 90 डेज तक कोई एक, और बाद के अगर उसके बाद भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है फिर आप दोनों पर क्यूज टैक्सेबल करते थे। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज है कि, और ये एक्चुअली चेंज नहीं है, हम लोग इसको ऐसे ही पढ़ते थे क्योंकि वो असेसी कौन सा चूज करेगा, शुरू के जो फर्स्ट 90 डेज होते हैं वो कौन सा चूज करेगा, जिसका परक्यूजेट लोअर होगा। तो अब यहाँ पे लॉ ने लिख दिया कि जो जिसका परक्यूजेट लोअर होगा वही चूज कीजिएगा। वैसे भी हम पहले से लोअर वाला ही करते थे, हमेशा कोई भी असेसी ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहता, ठीक है। बट ऐसा होता था, पहले लिखा होता था एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी, बट एट द ऑप्शन नहीं है अब, यहाँ पर यह है कि जो भी लोअर होगा हम उसी को चूज करेंगे। तो अप टू 90 डेज तक ओनली वन अकोमोडेशन, दोनों अकोमोडेशन का परक्यूजेट निकालिएगा फर्स्ट 90 डेज तक, और अगर वो फर्स्ट 90 डेज तक दोनों प्रोवाइड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 60 डेज के बाद ही आपने एक अकोमोडेशन खाली कर दिया, फिर ऑब्वियसली फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना,
फिर शुरू के 60 डेज का देखिएगा, दोनों में से कोई एक ही टैक्सेबल करिएगा जो भी लोअर हो। अगर 90 डेज के बियॉन्ड जा रहा है तो फर्स्ट 90 डेज तक एनीवन जिसका भी लोअर परक्यूजिट है उसको, और फिर बियॉन्ड 90 डेज जा रहा है तो फिर दोनों परक्यूजिट्स आपके टैक्सेबल हो जाते हैं। अगर रिमोट एरिया में अकोमोडेशन प्रोवाइड होता है जैसे माइनिंग साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, डैम साइट वगैरह, तो वह एग्जेम्प्ट होता है। करेक्ट। एक और अमेंडमेंट ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हम लोग जानते हैं उनके लिए हम लोग लेते हैं लाइसेंस फीस, ठीक है। बट अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे एम्प्लॉय को जो डेप्यूटेशन पर सर्व कर रहा है, जो डेप्यूटेशन जो एक्चुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है बट हमने उसको फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पर हमने उसको कोई पोस्ट दी है, कोई भी बॉडी जो फ्रेम करी थी एज पर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी है जैसे सेबी है या कोई ऐसी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो काम करती है, हमने फिलहाल उसके लिए कोई चेयरमैन अपॉइंट कर दिया या उसके लिए कोई और पर्सन अपॉइंट कर दिया ऑन डेप्यूटेशन पर, ठीक है, परमानेंट नहीं, ऑन डेप्यूटेशन पर हमने इसको रिक्रूट कर दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे इंप्लॉय को, ठीक है, ऐसे इंप्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे इंप्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो हम उसको गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं मानेंगे, हम उसको गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं मानेंगे उस केस में, हम उस केस में उसको अदर इंप्लॉय मानेंगे। और अदर इंप्लॉय में भी कैसा, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, हम उसको ऐसे कंप्यूट करेंगे जैसे कि ये अकोमोडेशन अदर एम्प्लॉय को मिल रही है बट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि पॉपुलेशन बेस्ड 5%, 7.5% या 10% एज द केस में भी। तो लिखा हुआ है इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज सर्विंग ऑन डेप्यूटेशन विद एनी बॉडी अंडरटेकिंग विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, यानी कि अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने बट वो काम कर रहा है ऑन डेप्यूटेशन विद एनी बॉडी विच इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, तो हम ये एज्यूम करेंगे उसके अकोमोडेशन निकालते समय कि दिस ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दिस अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अमेंडमेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अगेन ये स्टैट्यूटरी अपडेट में से ही अमेंडमेंट आई, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट है रेंट फ्री रेसिडेंस प्रोवाइडेड बाय टू अ जज और अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये एग्जेम्प्ट होता है बट ओनली अंडर ऑप्शनल स्कीम। अगर आप न्यू स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इनको अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो टैक्सेबल करिएगा, बट हाँ अगर ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंसेशनल अकोमोडेशन निकालना बहुत ईजी है, जैसे भी हमने आरएफए निकालते हैं उसमें से सिर्फ क्या माइनस कर दीजिए, जितना भी अमाउंट आप एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं उसको माइनस कर दीजिएगा, आपको कंसेशनल अकोमोडेशन मिल जाती है। क्लियर हो गया, ओके। तो ये था बातें परक्यूजिट्स के बारे में रिलेटेड टू रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हमने ज़्यादा टाइम ले लिया बिकॉज यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो मुझे आपको डिटेल में कराना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कोई और मेजर अमेंडमेंट नहीं है, वही पुरानी बातें हैं, ठीक है। इसमें अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा बस। चलिए आगे बातें करते हैं कुछ ऐसे परक्यूजिट जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होते हैं। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, तीन चीज़ें देखनी होती हैं आपको। अगर वो एम्प्लॉय हमारा डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर किसी भी तरह का डायरेक्टर हो, और ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग द एंटायर ईयर हो, अगर वो किसी भी एक दिन भी डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा, या फिर वो उस एम्प्लॉय का हमारे कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब उसके पास 20% और मोर की ओनरशिप हो, या फिर अगर कंपनी है हम तो उसके पास 20% और मोर वोटिंग शेयर्स हो, दैट इज इक्विटी शेयर्स हो, या फिर उसकी मॉनेटरी इनकम अंडर द हेड सैलरी, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी मॉनेटरी इनकम अंडर द हेड सैलरी 50,000 रुपीज से एक्सीड करती है तो हम उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बना देंगे। तो जनरली ये वाली कंडीशंस तो ज्यादातर सभी एम्प्लॉय सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि पूरे साल की जो इनकम है अंडर द हेड सैलरी 50,000 से ऊपर होनी चाहिए। अब जब सैलरी इनकम निकालिएगा तो डिडक्शन के बाद देखिएगा, यानी कि सेक्शन 16 की डिडक्शन के बाद उसकी इनकम देखिएगा। और ऑब्वियसली यस, अगर वो डिफॉल्ट स्कीम फॉलो कर रहा है, न्यू स्कीम फॉलो कर रहा है, तो डिडक्शन सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन की दीजिएगा, ठीक है, बाकी डिडक्शन मत दीजिएगा। बट अगर वो ऑप्शनल स्कीम फॉलो कर रहा है तो डिडक्शन फिर तीनों देने के बाद अगर वो एप्लीकेबल है तो तीनों दे सकते हैं आप। उसके बाद चेक कीजिएगा क्या उसकी सैलरी 50,000 को एक्सीड करती है या नहीं करती है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर मॉनिटरी इनकम में क्या क्या देखना है आपको, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट या पूरा डीए, पूरा डीए, पूरा डीए देखेगा, बोनस, कमीशन, फीस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस देखेगा, अलाउंसेस का सारा टैक्सेबल पोर्शन, प्लस मॉनेटरी परक्यूजिट, क्योंकि हम मॉनेटरी इनकम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट तो नहीं देखने बट मॉनेटरी परक्यूजिट देखने। मॉनेटरी परक्यूजिट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में बताया था,
कि कभी कभी हम आपको जो परक्यूजिट देते हैं वो एज अ रीइंबर्समेंट करके दे देते हैं, तो जो आपको रीइंबर्समेंट कैश मिल जाता है उसको हम कहते हैं मॉनेटरी परक्यूजिट, प्लस एनी अदर पेमेंट लाइक ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव, सैलरी, जो भी आपको मिल रही है ड्यूरिंग द ईयर, वो जैसे कि हर साल एम्प्लॉई अपनी लीव इन कैश कर रहा है तो उसको भी हम ऐड करेंगे, राइट। एनी एरियर और एडवांस मिला है उसको भी इंक्लूड करना है, अगर एक से ज्यादा इंप्लॉयर से मिल रही है वो भी आपको इंक्लूड करना है, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जैसे मैंने आपको बता दिया वो अलाउ है, बट हाँ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में तो तीनों डिडक्शन अलाउड है, न्यू टैक्स रिजीम में ओनली वन डिडक्शन अलाउड है। तो ये मॉनिटरी इनकम आप निकाल सकते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि वो असेसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। अब हम क्यों निकाल रहे हैं कि वो असेसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, कुछ पांच परक्यूजिट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है मोटर कार फैसिलिटी, सेकंड होता है सर्वेंट फैसिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस या यूटिलिटी बिल्स भी हम लोग कहते हैं इसको, एजुकेशन फैसिलिटी, और लास्ट होता है अगर जो लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम करते हैं उनको अगर हम फ्री या कंसेशनल टिकट्स प्रोवाइड कर देते हैं उनको या उनकी फैमिली को, तब ये वाला परक्यूजिट। तो पांच परक्यूजिट्स ऐसे हैं जो नॉन स्पेसिफाइड अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए तो एग्जेम्प्ट होंगे, बट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होते हैं। एमसीक्यू के लिए बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शुरू करें मोटर कार फैसिलिटी। ओके गाइस गिव मी अ मिनट, आप एक दो मिनट का चाहे ब्रेक ले सकते हैं, यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज मोटर कार फैसिलिटी, अगर ये कार प्रोवाइडेड है बाय एम्प्लॉयर, और दूसरा ऑप्शन होता है अगर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई है तो हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो फर्स्ट विल सी कार प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अगर है तो कैसे कंप्यूट करेंगे, फिर हम देखते हैं कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉई है तो परक्यूजिट वैल्यू क्या होती है। ओके प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर की कार है या फिर उसने कहीं से अरेंज करके आपको दी है, एम्प्लॉयर ने इसको हायर किया और आपको अरेंज करके दी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये कार 100% ऑफिशियल पर्पस है, अगर ऑफिशियल पर्पस है तो प्लीज कोई परक्यूजिट मत बनाइएगा, बिकॉज यहां पर हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। बिकॉज इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट व्हाई शुड आई पे इनकम टैक्स, प्लीज परक्यूजिट मत बनाइएगा, ठीक है। 100% ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो परक्यूजिट। 100% पर्सनल पर्पस है, अगर आप ये कोई कार प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की कार है या एम्प्लॉयर ने आपको अरेंज करके दी है और आप 100% इसको पर्सनल यूज में ले रहे हैं तो फिर आपका परक्यूजिट अच्छे से बनेगा। अच्छे से मतलब क्या है, जितना भी एक्सपेंसेस कंपनी कर रही है, जितना भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर कर रहा है वो सारा का सारा परक्यूजिट बन जाएगा। जैसे एम्प्लॉयर इसके ऊपर इसके रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, या फिर अगर कोई ड्राइवर है, शॉफर है, उसको सैलरी पे कर रहा है, तो वो सब चीज़ें ऐड कर दीजिएगा। इनफैक्ट अगर कंपनी ने ये कहीं से हायर कर आपको दी है तो कंपनी के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हायर चार्जेस भी, उसको भी ऐड कर दीजिएगा। बट इनकेस अगर कंपनी ओन्ड है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 10% पर एनम, पर एनम का मतलब ये हो गया कि अगर 6 months, 5 months, 4 months कुछ इस तरीके से प्रोवाइडेड है तो प्लीज आप अकॉर्डिंगली 6/12, 5/12, 4/12 इस तरीके से करके देखिएगा। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या बनाना, अगर 100% पर्सनल पर्पस से ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर लाइक हायर चार्जेस, मेंटेनेंस, रनिंग चार्जेस, ड्राइवर सैलरी अगर है तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। बट अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर में क्या लेना है, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस अगर कुछ पैसे एम्प्लॉय से रिकवर किए जा रहे हैं तो आप माइनस कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब एग्जाम में जो ज्यादातर हमसे पूछा जाता है कि ये कार पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है, राइट। अगर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है कि इसको आप दोनों तरीके से यूज करते हैं, कंपनी ने गाड़ी प्रोवाइड की, दोनों तरीके से आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एक्सपेंसेस कौन कर रहा है इसके ऊपर। जिसके रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं क्या वो कंपनी मीट आउट कर रही है, मीट बाय द एम्प्लॉयर, या वो इम्प्लॉय मीट आउट कर रहा है। तो अगर कंपनी मीट आउट कर रही है तो ज्यादा परक्यूजिट वैल्यू बनाइएगा, इम्प्लॉय मीट आउट कर रहा है तो कम परक्यूजिट वैल्यू बनाइएगा। और आई बिलीव ये आपको परक्यूजिट वैल्यू याद होंगी। अगर स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ लेना है, बट अगर बिग कार है तो 2400 पर मंथ लेना है। और ये फिक्स्ड रहेगी, ये लिमिट्स जो होती है ना 1800 या 2400, ये फिक्स लिमिट होती है पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल यूज में, ठीक है। अगर कुछ अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर भी किया जा रहा है तो प्लीज माइनस मत कीजिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर आपको बोलता है कि दिस कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर,
राइट आप 1800 पर मंथ ले लेते हैं, फिर साथ साथ में लिखा होता है कि 300 रुपीज पर मंथ इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। प्लीज माइनस मत कीजिएगा, जब ये 1800, 2400 या 600, 900 एज द केस में भी जब भी ये लिमिट लीजिएगा, प्लीज कुछ भी डिडक्शन माइनस मत कीजिएगा, ये दीज आर फिक्स्ड लिमिट, राइट। अच्छा, स्मॉल कार का मतलब क्या होता है? स्मॉल कार का मतलब होता है जिसकी इंजन कैपेसिटी, ठीक है, 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होती, 1.6 लीटर सीसी से ज़्यादा नहीं होती है, उसको हम स्मॉल कार बोलते हैं। अगर 1.6 को एक्सीड कर जाती है तो उसको बिग कार बोलेंगे, राइट। तो 1800 पर मंथ, 2400 पर मंथ। अब ये पर मंथ का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको 8 मंथ्स 25 डेज के लिए प्रोवाइड किया गया, तो 25 डेज को इग्नोर कर देना, तो सिर्फ जो कंप्लीटेड मंथ्स होते हैं आप उसी को लीजिएगा, ठीक है, जो कंप्लीटेड मंथ्स होंगे आप उसी को लीजिएगा। तो अगर आपको 8 मंथ्स और 25 डेज या 26 डेज दिया गया है, इसको इग्नोर कर देना, तो फिर 8 मंथ्स लेना, तो लेट से 1800 पर मंथ है, इनटू 8 कर देना। या फिर अगर बिग कार है, 1.6 लीटर सीसी इंजन से ज़्यादा कैपेसिटी है उसकी, तो 2400 इनटू 8 कर दीजिएगा। और ये मंथ्स कैसे लेने होते हैं? देखिए, इनकम टैक्स में हमेशा जब भी मंथ्स होते हैं वो कैलेंडर मंथ्स होते हैं। कैलेंडर मंथ्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपको गाड़ी प्रोवाइड की गई, लेट से 25th of June से, तो 25th June से लेकर 24th July तक, ये पूरा एक महीना माना जाता है, ठीक है। तो जिस भी डेट से आपको गाड़ी प्रोवाइड किया जाती है वहां से लेकर जो एक महीना होता है वो एक महीना माना जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा दिया गया है कि आपको गाड़ी प्रोवाइड की गई है 1st April 2023 से लेकर 15th December 2023 तक, तो आप कैसे करेंगे? 1st April से लेकर 30th April, मतलब अप्रैल पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पर दिसंबर के आपके यहाँ पर 15 डेज ही बच जाएंगे, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सिर्फ 8 मंथ्स ही आएंगे, 9 मंथ्स नहीं बनेंगे, करेक्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसा दिया होता 15th of June से लेकर आपको गाड़ी प्रोवाइड की गई है 10th of December तक, तो आप कैसे करते? 15th June से लेकर 14th July, एक महीना, फिर 15th July से लेकर 14th August, दूसरा महीना, इस तरीके से आप कंप्यूट करेंगे, क्लियर है। और अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाता है तो 1800 प्लस 900 कर दीजिएगा, 2400 प्लस 900 कर दीजिएगा। और अगर एक्सपेंसेस मीट बाय एम्प्लॉई है, स्मॉल कार के लिए 600, बिग कार के लिए 900, प्लस 900 पर मंथ, 900 पर मंथ ड्राइवर के अलग से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आई बिलीव ये आपको ये सारी अमाउंट याद आ गए होंगे, ओके। दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया है कि 1800 और 2400 या 600 या 900 फिक्स लिमिट है। अगर कुछ भी रिकवर भी किया जा रहा है एम्प्लॉय से, तो प्लीज़ माइनस मत कीजिएगा। मंथ कैसे लेने हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। स्मॉल कार क्या होती है? 1.6 लीटर तक, अप टू 1.6 लीटर सीसी स्मॉल कार, उससे ज़्यादा तो बिग कार। अगर आपको एक से ज़्यादा कार प्रोवाइड की जाती हैं, जो कहते हैं कि पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है, तो सिर्फ एक ही कार को आप पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल मानेंगे और अदर कार्स को हमेशा आप 100% पर्सनल की मान के परक्विजिट वैल्यू निकालेंगे, राइट। और अगर ये याद कर लीजिएगा, अगर आपको सिर्फ पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है फ्रॉम योर होम टू ऑफिस एंड देन बैक टू योर होम, तो सिर्फ और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो दैट इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉयज, वो टैक्स फ्री परक्विजिट होता है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, ओके। अगर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय है, तो इस केस में अगर 100% ऑफिशियल पर्पस हो रहा है, देखो गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की कार है और 100% ऑफिशियल यूज हो रही है, 100% ऑफिशियल में तो कोई परक्विजिट होता नहीं है, परक्विजिट वैल्यू विल बी नल। बट अगर 100% अगर आपको पर्सनल पर्पस के लिए दी गई है, तो देखो गाड़ी हमारी, गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की, और 100% पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? आपकी गाड़ी है तो आप ही पर्सनल यूज करोगे। बट अगर इसके एक्सपेंसेस कंपनी मीट आउट करती है, तो जितने भी कंपनी एक्सपेंसेस मीट आउट करती है, लेट्स से वो रनिंग एंड मेंटेनेंस के पेट्रोल वगैरह का खर्चा, सर्विस के चार्जेस वगैरह कंपनी मीट आउट करती है, तो वो परक्विजिट बन जाएगा, राइट। तो जितना भी खर्चा कंपनी कर रही है वो परक्विजिट बन जाएगा। बट इन केस अगर पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है, गाड़ी हमारी है, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल कर रहे हैं, तो उस केस में पहले देखें कि स्मॉल कार है या बिग कार है। अगर ये स्मॉल कार है, तो जितना भी एक्सपेंसेस कंपनी मीट आउट कर रही है उसमें से माइनस कर दीजिएगा 1800 पर मंथ। छोटी गाड़ी के लिए 1800 पर मंथ माइनस कर दीजिएगा, और अगर बड़ी गाड़ी है तो 2400 पर मंथ माइनस कर दीजिएगा। साथ साथ में अगर ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, तो 1800 भी माइनस कीजिएगा और 900 भी माइनस कीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, अगर आप माइनस कर रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो 1800 900 दोनों को माइनस करना है, मतलब दोनों को मैं ऐड करके डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ, वो तो मैथमेटिक्स आप समझते हैं। मैंने अगर ब्रैकेट लगा दिया तो 1800 प्लस 900 करके उसको माइनस कर दिया। अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा
तो माइनस 1800 भी करना है और माइनस 900 भी करना है। बट अगर ये बिग कार है तो माइनस 2400 भी करना होता है और माइनस 900 भी करना होता है, या फिर ब्रैकेट में अगर लगा देता हूँ 2400 और 900 दोनों को ऐड करो तो डायरेक्टली टोटल माइनस कर दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम ये जो लिमिट है हमारे पास 1800-2400 से इससे ज़्यादा अमाउंट भी माइनस कर सकते हैं क्या? द आंसर इज येस। अगर इम्प्लॉई यहाँ पर प्रूव करता है कि सर मेजरली जो गाड़ी है वो ऑफिस के पर्पस के लिए यूज़ हुई है, पर्सनल पर्पस के लिए बहुत कम यूज़ हुई है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा अमाउंट माइनस हो, तो उसको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है? उसको डिटेल्स ऑफ जर्नी, माइलेज ऑफ द कार, कितना खर्चा हुआ है, सर्टिफिकेट बाय इम्प्लॉयर से उसको लेना पड़ता है, और वो अगर प्रूव कर सके, अगर वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करता है तो वो ज़्यादा अमाउंट भी माइनस कर सकता है, ठीक है? ओके। इफ कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और 100% पर्सनल यूज के लिए हो रही है, तो देखिए अगर गाड़ी हमारी खुद की है और हम 100% पर्सनल यूज कर रहे हैं तो वो हमारी ही ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उसका खर्चा हमें ही करना है, बिकॉज हम अपने उसको पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, एग्री है? तो उस केस में वो 17:3 का परक्यूजिट नहीं रहता, उस केस में वो 17:4 का परक्यूजिट हो जाता है। 17:4 क्या होता है? 17:4 में आ जाती है जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं जो कंपनी मीट आउट करती है, तो वो ऑल इम्प्लॉयज़ के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए नहीं, फिर सभी इम्प्लॉयज़ के हाथों में वो टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर याद आ गया होगा आपको ये वाली बातें कि अगर वो गाड़ी हमारी खुद की है, इम्प्लॉय की खुद की है, इम्प्लॉय की गाड़ी है, 100% पर्सनल यूज़ हो रही है, तो उसकी ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर ही आती, तो फिर वो प्लीज़ उसको सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए टैक्सेबल मत कीजिएगा, उसको फिर सभी के लिए टैक्सेबल कीजिएगा, ठीक है? और अगर इम्प्लॉय के पास टू व्हीलर है और इसके एक्सपेंसेस कंपनी मीट आउट करती है 100% ऑफिशियल में, तो कोई परक्यूजिट नहीं बनेगा। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल में तो जितना भी एक्सपेंसेस इम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है उसमें से 900 पर मंथ माइनस कर सकते हैं आप लोग, टू व्हीलर के लिए 900 पर मंथ। यहाँ पर ड्राइवर मत लेना क्योंकि टू व्हीलर है तो आप ही चलाएंगे उसको, ठीक है? आप मतलब इम्प्लॉय। ओके, नेक्स्ट परक्यूजिट आता है सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट की फैसिलिटी है लाइक गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, डोमेस्टिक कुक वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो जितना भी खर्चा सिंपल है यहाँ पर, जितना भी खर्चा कंपनी मीट आउट कर रही है, जितना भी खर्चा कंपनी मीट आउट कर रही है वो परक्यूजिट बन जाएगा। तो कंपनी इसके लिए जितनी भी वो सैलरी पे कर रही है उस कुक को, गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन को, वो सारा परक्यूजिट बन जाएगा। अगर आपसे कुछ पैसे रिकवर किए जा रहे हैं तो माइनस कर दीजिएगा। तो सिंपल है, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। बट अगर ये सर्वेंट, फॉर एग्जाम्पल, ये हमें जो सर्वेंट मिला हुआ है ये हमारी जॉब की वजह से नहीं मिला हुआ है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारे पास पहले से था, राइट? बट इसका भी एक्सपेंसेस अगर कंपनी मीट आउट करती है तो ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही नहीं, फिर सभी इम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाता है। तो हम इसको ये कहते हैं कि वेदर द सर्वेंट इज प्रोवाइडेड बाय द रीजन ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, क्या वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला हुआ था या फिर वैसे भी आपकी ये ऑब्लिगेशन थी। अगर ये आपकी खुद की ऑब्लिगेशन थी तो मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ अपनी रेगुलर क्लासेस में। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सर्वेंट था, पुराना नौकर था, जो आपके ग्रैंडफादर ने या फादर ने अपॉइंट किया था, और उसको आपकी जॉब है या नहीं है बट उसको आपको रखना पड़ेगा। तो इन दैट केस अगर कंपनी उसके लिए आपको पैसे देती है तो वो हमारी ऑब्लिगेशन बन जाती है, तो वो 17:4 का परक्यूजिट बन जाएगा। इट इज टैक्सेबल फॉर एवरी पर्सन, राइट? नेक्स्ट परक्यूजिट आता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, जितना भी हमारी कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया गया है और कंपनी जितना भी इसके ऊपर एक्सपेंसेस कर रही है वो आपका परक्यूजिट बन जाएगा। अगर आपसे कुछ पैसे रिकवर किए जा रहे हैं तो प्लीज माइनस कर दीजिएगा। अब डिपेंड करता है, अगर ये कंपनी ने कहीं से परचेज करके आपको प्रोवाइड किया गया है तो कंपनी के एक्सपेंसेस क्या होंगे? परचेज कॉस्ट। बट अगर कंपनी के खुद के अपने रिसोर्सेज से ये प्रोवाइड किया गया है तो कंपनी की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसके ऊपर वो परक्यूजिट बन जाएगा। हाँ, माइनस जितना भी आपसे अमाउंट रिकवर किया जा रहा है वो माइनस कर लीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, जितनी भी परचेज कॉस्ट आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, वो होती है कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, उसमें से जितना भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है उसको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है? तो अगर ये आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया गया है तो 17:3 का परक्यूजिट है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का। बट अगर ये आपकी खुद की ऑब्लिगेशन थी, पहले से आपके पास ये फैसिलिटीज थी, सिर्फ ये कंपनी अब इसके पैसे पे कर रही है, तो ये 17:4 का परक्यूजिट हो जाता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। एजुकेशन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये चीजें, अगर एजुकेशन फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ इम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है, सिर्फ इम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है, एक सेकेंड दीजिएगा, अगर ये फैसिलिटी सिर्फ इम्प्लॉय को ही प्रोवाइड की गई है, इम्प्लॉय की एजुकेशन के लिए, इम्प्लॉय को ट्रेनिंग करने के लिए,
हमने उसको परक्विजिट प्रोवाइड कर दिया, या फिर हमने उसको कहीं पर 2 दिन की वर्कशॉप के लिए भेज दिया, या फिर इनफैक्ट हमने उसको एमबीए करने के लिए भेज दिया है, चाहे 1 साल के लिए भेजा है, अगर इम्प्लॉय के ऊपर खर्चा किया जा रहा है एजुकेशन का, दैट इज टैक्स फ्री. उसके ऊपर आप परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे. परक्विजिट वैल्यू वुड बी निल इन दैट केस. तो प्लीज याद रखिएगा, अगर इम्प्लॉय के लिए खर्चा हो रहा है तो कोई परक्विजिट वैल्यू नहीं बनती है, बट अगर इम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के लिए खर्चा कर रही है कंपनी तो ये परक्विजिट बन जाता है. तो इम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के लिए खर्चा किया तो पूरा का पूरा परक्विजिट बन जाए. बट अगर इम्प्लॉय के चिल्ड्रन के लिए ये खर्चा किया गया, अब चिल्ड्रन में यहाँ पर आपको पता है जब भी चिल्ड्रन की बातें आती हैं इनकम टैक्स में, तो यहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूडेड होता है. ग्रैंड चिल्ड्रन इंक्लूडेड नहीं होता, अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड इंक्लूडेड होता है. तो अगर चिल्ड्रन के लिए खर्चा किया गया है और ये फैसिलिटी बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई है, या तो एम्प्लॉयर ने खुद एडमिशन कराया था एम्प्लॉय के बच्चों का, या फिर एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, तो अगर ये परक्विजिट वैल्यू 1,000 रुपीज तक होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. 1,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा. बच्चों के लिए 1,000 बनी पाते हैं. बट अगर ये ऑब्लिगेशन थी इम्प्लॉय की खुद की, यानी कि बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं है, हमारी जॉब रहे या ना रहे, बट बच्चों की पढ़ाई होनी थी किसी और स्कूल में, हम पहले से उनका एडमिशन था, तो उस केस में परक्विजिट 17:3 का नहीं बनेगा, फिर वो 17:4 का बन जाता है, जो ऑब्लिगेशन होती है एम्प्लॉय की, ठीक है, वो मेड बाय द एम्प्लॉयर बन जाता है. उस केस में फिर वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. फिर वो 1,000 वाली भी लिमिट मत लगाइएगा. तो 1,000 की लिमिट कब लगनी है? अगर बच्चों का एडमिशन एम्प्लॉयर ने कराया है या वो एम्प्लॉयर के ही स्कूल में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तब आप 1,000 की लिमिट आप लगाएंगे, राइट? तो एजुकेशन फैसिलिटेड टू चिल्ड्रन इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो 1,000 वाली लिमिट लगती है. वैल्यू ऑफ परक्विजिट, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन, जितनी भी कॉस्ट आ रही है कंपनी की उतना माइनस, अगर कोई एम्प्लॉय से रिकवर किया जाए तो माइनस कर लीजिएगा. बट कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर की कॉस्ट नहीं आती. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर के खुद के इंस्टीट्यूशन में वो स्टूडेंट पढ़ रहा है. तो उस केस में हम क्या देखते हैं, सिमिलर इंस्टीट्यूशन की, जो सेम लोकेलिटी में है, नियर बाय लोकेलिटी में है, वहां पर सिमिलर इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट क्या होती है, वो कितना चार्ज करते हैं अपने स्टूडेंट से, वो वैल्यू हम लोग ले लेंगे, राइट? चिल्ड्रन का मतलब अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड भी रहेगा. यहां पर कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा. यहां पर कोई नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन अलाउंस में लिमिट थी कि मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए वो अलाउंस की एग्जम्पशन मिलती थी 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो भी सिर्फ ऑप्शनल स्कीम में, डिफॉल्ट स्कीम में तो वो भी नहीं है. बट यहां पर आप चिल्ड्रन के लिए 1,000 वाली लिमिट एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है? अगर एजुकेशन फैसिलिटी अदर मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है तो फुली टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है नॉट बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो भी फुली टैक्सेबल हो जाएगी. बट प्लीज याद रखिएगा, एम्प्लॉय को खुद को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी दैट इज एक्सेप्ट. ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा एक एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में काम कर रहा है, लेट से वो किसी ऐसी एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम कर रहा है जिनकी बसेस वगैरह चलती है, जिनकी बसेस वगैरह चलती है टूर पैकेजेस में, तो अगर वहां पर उसको कंसेशनल टिकट्स मिल जाते हैं उसको, उसके फैमिली मेंबर्स को, कि आप भी टूर कर सकते हैं, आप भी घूमने जा सकते हैं, वो अपनी फैमिली को लेकर घूमने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर भी परक्विजिट बन जाता है. जितना भी कितनी कॉस्ट बन जाएगी एम्प्लॉयर की, जितना वो सिमिलर फैसिलिटी के लिए बाकी कस्टमर से चार्ज करते हैं वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी. माइनस अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया जा रहा है तो प्लीज माइनस कर दीजिएगा. तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट, अमाउंट चार्ज फॉर सच बेनिफिट, जितना भी हमने उसको बेनिफिट दिया, अगर हम बाकी नॉर्मल कस्टमर से कितना चार्ज करते हैं वो वैल्यू, माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड इफ एनी, राइट? बट प्लीज याद रखिएगा, ये परक्विजिट रेलवे और एयरलाइंस एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट रहता है. जो फ्री और कंसेशनल टिकट्स की फैसिलिटी होती है ये रेलवे और एयरलाइंस एम्प्लॉयज के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है? दिस इज नॉट एलटीसी, एलटीसी तो हम अलग से देखेंगे. 17:4 मैं डिस्कस कर चुका हूँ. 17:4 होता है, अगर आपको सेक्शन भी याद ना रहे, बट दिस इज ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर. अगर हमारी खुद की कोई ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हमारी वहां पर जॉब है या नहीं है, बट कोई खर्चा है जो हमें खुद करना है, अगर वो खर्चा हमारा एम्प्लॉयर मीट आउट कर देता है तो वो हमारा परक्विजिट बन जाता है, राइट? तो एनी पर्सन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन एवरी पर्स इन एवरी हैंड्स, वेदर वो स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड है, सभी के लिए टैक्सेबल हो जाता है. ओके, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम याद रखिएगा, एक होती है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, जब हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स हम एम्प्लॉय को देते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स को देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं इसको, आपको मेडिकल इंश्योरेंस के नाम से भी आ सकता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के नाम से भी आ सकता है,
तो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वर इन द सेम थिंग। अगर ये प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को तो एग्जेम्प्ट है, ये टैक्स फ्री है। बट अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, याद रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे की जाती है एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के लिए, तो दैट इज टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, दैट इज एग्जेम्प्ट। स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनर का, स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पूछ लेते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? हमें हमारी कंपनी में, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, उसके शेयर्स या तो हमें फ्री में मिल जाते हैं या फिर कंसेशनल अमाउंट में मिल जाते हैं। तो जितना आपको फायदा हुआ वो आपका परक्यूजिट बन जाता है। तो कितना फायदा होगा? जितनी भी मार्केट वैल्यू है उस शेयर्स की, जितना भी मार्केट वैल्यू है शेयर्स की। किस दिन की मार्केट वैल्यू लेनी है हमें? मार्केट वैल्यू लेनी है जिस दिन हम ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, हाँ सर ये मुझे शेयर्स चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईसॉप्स दिए गए हैं, तो जिस दिन भी आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे उस दिन का मार्केट वैल्यू देखनी है इसकी। और अगर आपसे कुछ अमाउंट रिकवर किया जा रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, अगर अमाउंट रिकवर नहीं किया जाता तो जीरो माइनस कीजिएगा। तो जितनी भी मार्केट वैल्यू होती है, परक्यूजिट वैल्यू क्या बनेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स माइनस अमाउंट रिकवर। फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। टैक्सेबल कब करना है? जिस दिन ये शेयर्स अलॉट हुए। हो सकता है आपने एक महीने पहले ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया था, बट ये अलॉट हुए एक महीने के बाद, तो जिस दिन ये अलॉट होते हैं उस दिन टैक्सेबिलिटी आती है। बट टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी? परक्यूजिट वैल्यू क्या लेनी है? जिस दिन आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन मार्केट वैल्यू क्या चल रही थी। अब हो सकता है ये शेयर्स लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये शेयर्स लिस्टेड है तो आप इसकी मार्केट वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड थे, ठीक है, उस दिन जिस दिन आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उसका एवरेज प्राइस क्या चल रहा था। तो एवरेज प्राइस का मतलब ये होता है कि उस दिन का जो शेयर का जब मार्केट ओपन हुई थी उस दिन का ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस क्या चल रहा था, उस दिन का एवरेज लेना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड थी। अगर ये मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पर ये शेयर लिस्टेड था तो उस केस में हम लोग उस स्टॉक एक्सचेंज को चूज करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई थी उस दिन, ठीक है, वॉल्यूम जिस दिन सबसे ज्यादा था उस स्टॉक एक्सचेंज में। फॉर एग्जांपल वो शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी, दोनों जगह पर लिस्टेड था, या फिर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था, तो हमें उस स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट वैल्यू देखनी होती है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो उस स्टॉक एक्सचेंज को सिलेक्ट कीजिएगा, उसका ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू का एवरेज देना होता है आपको। तो लिस्टेड शेयर्स हैं तो डिपेंड करता है, एक स्टॉक एक्सचेंज पे तो सिंपल है उसकी उसी का एवरेज, ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज। बट अगर मल्टीपल पर लिस्टेड है तो फिर आपको वो स्टॉक एक्सचेंज चूज करनी है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हुआ, राइट। और कभी कभी ना ओपनिंग में भी वो दो प्राइस दे देता है, बाय प्राइस और सेल प्राइस, और क्लोजिंग की भी बाय प्राइस और सेल प्राइस। तो फिर क्या करेंगे उस केस में? फिर आपको बाय प्राइस को नहीं देखना है, सिर्फ सेलिंग प्राइस को देखना है। तो सेलिंग प्राइस जो ओपनिंग वाला, सिर्फ सेलिंग प्राइस का, इतना आता नहीं एग्जाम में बट फिर भी अगर आ जाए, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पेपर आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जो सिर्फ सेलिंग प्राइस है, ओपनिंग बाय और सेलिंग दोनों दिया होगा तो सिर्फ सेलिंग को ही चूज कीजिएगा, क्लोजिंग बाय और सेलिंग दोनों दिया होगा सिर्फ सेलिंग को ही चूज कीजिएगा उसका एवरेज। बट अगर बाय और सेलिंग नहीं दिया हो, नॉर्मल एक ही प्राइस दिया हो ओपनिंग का और सिर्फ क्लोजिंग का, तो उनका एवरेज लेना होता है आपको, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उस दिन जिस दिन हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन ट्रेडिंग ही नहीं हुई थी, तो फिर जो भी उसकी लास्ट में जो भी नियरेस्ट डेट होगी आप उस दिन का प्राइस ले लेंगे। बट उस केस में सिर्फ, फिर उस केस में सिर्फ आप क्लोजिंग प्राइस लीजिएगा, फिर उस केस में एवरेज मत कीजिएगा, आप किसी और दिन का ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई थी फॉर एग्जांपल, तो फिर आप पिछले फॉर एग्जांपल उससे एक दिन पहले या दो दिन पहले जो भी लास्ट ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का आप ले सकते हैं, बट फिर सिर्फ उसका क्लोजिंग प्राइस लीजिएगा, उसका एवरेज मत कीजिएगा। तो इफ नो ट्रेडिंग ऑन एक्सरसाइज डेट देन ओनली टेक क्लोजिंग प्राइस ऑफ द नियरेस्ट डेट, जो भी नियरेस्ट डेट थी जब लास्ट ट्रेडिंग हुई थी उसका क्लोजिंग प्राइस ले लीजिएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, जब आप एवरेज करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग का करें, बट कभी कभी ये होगा कि ओपनिंग के भी दो रेट्स होंगे, क्लोजिंग के भी दो रेट्स होंगे, तो सिर्फ सेल वाला रेट्स ले लीजिएगा। और अगर वो शेयर्स अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो इसका मतलब मार्केट किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड नहीं थे, लिस्टेड शेयर्स नहीं, अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो वो हम डिटरमाइन करते हैं एज पर द मर्चेंट बैंकर्स जो डिटरमाइन करके देंगे, तो वो आपको खुद डिटरमाइन नहीं करना है। उस केस में आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि उसका प्राइस मर्चेंट बैंकर्स ने क्या डिसाइड किया था, वो आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। बट सिंपल है आपके लिए, प्लीज ये याद रखिएगा, ठीक है, ये इतनी सारी बातें तब आएंगी जब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा मुश्किल आएगा पेपर। बट नॉर्मली क्या होता है, वो बोल देता है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपको देखनी है माइनस जितना भी आपसे अमाउंट रिकवर किया जा रहा है वो माइनस कर दीजिएगा इफ एनी, राइट। बस ये याद रखिएगा फेयर मार्केट वैल्यू हमें लेनी है जिस दिन हम ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं। टैक्सेबल कब करते हैं? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो 30th मार्च 2023 को,
यानी कि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया प्रीवियस ईयर 2023 में और आपको ये शेयर्स अलॉट हुए 15th अप्रैल 2023 को, यानी कि किसी दूसरे प्रीवियस ईयर में ये शेयर्स अलॉट हुए प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो जब ये अलॉट होते हैं उस साल टैक्सेबिलिटी आएगी, राइट। बट हम मार्केट वैल्यू लेते हैं जिस दिन हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। ओके, समझ में आ गया। सुपर एनुएशन फंड में अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो जितना भी एम्प्लॉयर ने सुपर एनुएशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करा वो एग्जेम्प्ट होता है, बट अप टू 7.5 लाख तक। और ये 7.5 लाख की लिमिट है ना, ये हम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड की और न्यू पेंशन स्कीम की कंबाइन करके देखते हैं। इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा जब मैं आपको रिटायरमेंट बेनिफिट कराऊंगा, जब प्रोविडेंट फंड डिस्कस करूंगा तो मैं इसको 17:7 वाला जो परप्यूज रेट है ना वो मैं अलग से डिसाइड आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसको मैं अभी फिलहाल के लिए पेंडिंग कर रहा हूँ, उसके साथ हम डिस्कस करेंगे सैलरी के चैप्टर में ही, बट उसी के साथ डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन होता है कि जब आपको आप अपनी एम्प्लॉयर से लोन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया तो आपको क्या बेनिफिट मिला, अगर आप ये बैंक से लोन लेते तो बैंक वाले आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, एम्प्लॉयर आपसे कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज कर रहा। तो जितना आप इंटरेस्ट की सेविंग करते हैं, जितना आप सेव करते हैं किसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, तो दैट इज योर परक्यूजिट। तो हमें क्या देखना होता है कि बैंक का रेट क्या था और हम एम्प्लॉयर कितना रेट हमसे चार्ज कर रहा है। तो कौन से बैंक का रेट लेना होता है, सिर्फ हम SBI का रेट लेते हैं, किसी और बैंक का नहीं लेंगे। तो जनरली हमें एग्जाम में दिया होता है बैंक रेट ये है, तो अज्यूम कर लेते हैं वो SBI का रेट ही दिख गिवन है। बट अगर आपको एग्जामिनर बोले कि PNB का, पंजाब नेशनल बैंक का ये रेट है, किसी दूसरे बैंक का ये रेट है और SBI का भी रेट गिवन हो, तो प्लीज SBI का रेट ही चूज कीजिएगा। और वो भी उसी पर्पज के लिए रेट लेना है आपको जिस पर्पज के लिए लोन लिया गया। फॉर एग्जाम्पल ये लोन लिया है आपने एजुकेशन पर्पज के लिए, तो SBI का जो एजुकेशन पर्पज का लोन था सिर्फ आपको उसका रेट देखना है। फॉर एग्जाम्पल SBI के भी अलग अलग रेट्स हो सकते हैं ना, व्हीकल लोन का रेट अलग है, पर्सनल लोन का रेट अलग है, एजुकेशन लोन का रेट अलग है। तो जिस पर्पज के लिए आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है आपको उसी पर्पज का रेट देखना होता है SBI का। वो भी सर फॉर एग्जाम्पल चलो हमने एजुकेशन का रेट देख लिया तो ड्यूरिंग द ईयर तो वो रेट अलग अलग भी हो सकता है। तो हमें क्या लेना है, जिस साल आपने ये लोन लिया था, जिस साल आपने ये लोन लिया था उस दिन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर वो रेट क्या था, फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल को वो रेट क्या था, याद आ गई बातें। तो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, इंटरेस्ट सेव ऑन सच लोन, बैंक इंटरेस्ट रेट माइनस इंटरेस्ट चार्ज बाय द एम्प्लॉय, जितना भी एम्प्लॉय से चार्ज किया जा रहा है या फिर एम्प्लॉयर जितना आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक का रेट 12% है, एम्प्लॉयर आपसे 10% चार्ज कर रहा है, तो आपको 2% का परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी, राइट। तो बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ SBI लेना है आपको एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, इन विच प्रीवियस ईयर, जब आपने लोन लिया था उसके 1 अप्रैल को रेट क्या था SBI का, आपको वो रेट लेने होते हैं। जनरली इतना आपको एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में सिंपल बोल देता है कि बैंक का रेट ये था, एम्प्लॉयर का रेट ये था, आपको वहां पर परक्यूजिट निकालना होता है। ओके, अगर आपने, और वो भी परक्यूजिट कितना निकालिए, किस अमाउंट के ऊपर निकालिए, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख का लोन लिया था, 10 लाख का पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो 10 लाख के ऊपर वो जितना भी इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं उसका रेट निकाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ लोन रीपे कर दिया तो जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा है ना प्लीज उसी के ऊपर निकालिएगा। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा बोल सकता है कि हर महीने आप 2000 रुपीज रीपे बैक करके चलते हैं, तो अगर हर महीने ऐसा इस तरीके से अगर ऐसा हो रहा हो कि हर महीने या हर दूसरे महीने या तीसरे महीने ये अमाउंट आप रीपे कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है आपको वो निकालना पड़ता है। वो भी आउटस्टैंडिंग कितना देखिएगा, जो मंथ के एंड में आउटस्टैंडिंग होती है आप उसको देखते हैं, राइट। तो इफ द अमाउंट ऑफ बोरोइंग इज चेंज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ बोरोइंग चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आप रीपे करते हुए चल रहे हैं, तो उस केस में परक्यूजिट वैल्यू इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस एज ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में कितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग बचा है उसी के ऊपर आप लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, और दो केस काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत अगर माइनर लोन है, पेटी लोन है, तो उसके ऊपर हम परक्यूजिट वैल्यू नहीं निकालते। यानी कि अगर पूरे साल में अगर आप जो लोन ले रहे हैं वो 20,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं ले रहे हैं इन एग्रीगेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10,000 के आपने 5-6 लोन ले लिए, नहीं, इन एग्रीगेट अगर ये अमाउंट जो आपने लोन लिया है वो 20,000 रुपीज से एक्सीड नहीं करता है, उस केस में वो एग्जेम्प्ट परक्यूजिट होता है, राइट। या फिर अगर 20,000 से ज्यादा है बट आपका रीजन ऑफ लोन क्या था, प्रिस्क्राइब डिजीज का ट्रीटमेंट कराना था, ठीक है, प्रिस्क्राइब डिजीज लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, HIV एटसेट्रा, अगर इसके लिए लोन लिया गया है था, उसके लिए अगर ट्रीटमेंट कराना था तो भी एग्जेम्प्ट होता है, राइट। तो प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया गया तो वो एग्जेम्प्ट होता है।
हाँ, बट जब इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें पैसे मिल गए तो हमें ये पैसे एम्प्लॉयर को वापस कर देने चाहिए, बट अगर हम उसको वापस नहीं करते हैं तो वो भी, जब तक हम वो पैसा वापस नहीं करते हैं तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो चुके थे, राइट? ओके, नेक्स्ट परक्यूजेट आता है हॉलीडे होम। हॉलीडे होम का मतलब ये आता है कि हमने इंप्लॉय को छुट्टियों पर भेज दिया, छुट्टियों पर भेज दिया उसके फैमिली मेंबर्स को भी, और सारा का सारा खर्चा कंपनी बियर कर रही है। हॉलीडे होम यानी कि आने जाने का भी पैसा दिया, इनफैक्ट वहां पर स्टे करने का, फूड एक्सपेंसेस, सारा का सारा खर्चा हमने पूरी पूरी ट्रिप ही ऑर्गेनाइज कर दी। एलटीसी नहीं, एलटीसी क्या होता था, सिर्फ आने जाने का खर्चा दिया, ठीक है? ये हॉलीडे होम पूरा का पूरा ट्रिप ही स्पॉन्सर्ड है, उस केस में जितना भी खर्चा कंपनी कर रही है वो परक्यूजेट बन जाएगा, ठीक है? अगर आपसे कुछ रिकवर किया जा रहा है तो वो माइनस कर दीजिएगा। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड। मील या रिफ्रेशमेंट्स, अगर हमें रिफ्रेशमेंट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टी, कॉफी, बिस्किट्स वगैरह ऐसी चीजें दी जाती हैं रिफ्रेशमेंट्स, तो वो तो एग्जेम्प्ट होती हैं, वो आप जितनी भी आप चाहें तो चाय कॉफी वगैरह पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मील्स दी जाती हैं, जैसे लंच फैसिलिटी या डिनर फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जाती है, उस केस में वो टैक्सेबल हो जाएगी, बट इसमें से 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है? 50 रुपीज माइनस कर लीजिएगा, यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ सच मील फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज है तो उसमें से 50 माइनस कर लीजिएगा, बाकी का जो रिमेनिंग 10 रुपीज होगा सिर्फ उसकी वो आप टैक्सेबल करेंगे। बट अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो ये 50 रुपीज भी एग्जेम्प्ट नहीं होते, फिर वो फुली टैक्सेबल हो जाता है। तो 50 रुपीज के जो एग्जेम्पशन की बातें हैं, दिस इज ओनली एंड ओनली एन ऑप्शनल स्कीम, न्यू टैक्स रिजीम में ऐसी बातें नहीं, ठीक है? गिफ्ट टू द एम्प्लॉयज, जो हमें गिफ्ट मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से, दैट इज अगेन टैक्सेबल। अगर वो कैश गिफ्ट मिलते हैं, मॉनेटरी फॉर्म में मिलते हैं, आपको चेक मिल गया, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, तो ऐसे गिफ्ट तो फुली टैक्सेबल होते हैं, चाहे वो 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से कम है, बट कैश गिफ्ट्स आर ऑलवेज फुली टैक्सेबल। बट अगर आपको गिफ्ट्स इन काइंड मिलते हैं, तो 5,000 रुपीज तक ही एग्जेम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू, आप दोनों में से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको साल पूरे साल में गिफ्ट मिले और उसकी वैल्यू 6,000 थी, तो अगर कुछ स्टूडेंट्स इसमें से 5,000 इन काइंड में गिफ्ट मिले, अगर इसमें से 5,000 माइनस करना चाहें और 1,000 को टैक्सेबल करें, ये भी ठीक होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको 5,000 रुपीज से ज़्यादा के गिफ्ट मिले इन काइंड में, 6,000 के मिले, तो ये 5,000 से ज़्यादा है, तो आप 6,000 पूरा भी टैक्सेबल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट हमारा ICAI दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करता है। तो अगर 5,000 से ऊपर के गिफ्ट हैं इन काइंड में, तो आप पूरा का पूरा उसको टैक्सेबल भी कर दीजिए, या फिर आप उसको माइनस 5,000 के बाद इन एक्सेस ऑफ 5,000 मिला उसको टैक्सेबल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट दोनों ही यहां पर अप्रोच को सही मानता है। अगर आप सजेस्टेड आंसर्स देखेंगे तो दोनों ही व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टैक्सेबिलिटी आंसर दिए होते हैं, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 5,000 से ऊपर ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा, वहां पर नोट लिख दीजिएगा इट एक्सीड्स 5,000, दैट इज द रीजन वी आर टैक्सिंग इट, ठीक है? क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को एड ऑन क्रेडिट कार्ड वगैरह भी दे दिया जाता है, तो अगर ये ऑफिस पर्पस के लिए दिया गया एम्प्लॉय को तो ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट होगा, बट उसके पर्सनल पर्पस के लिए दिया गया तो एम्प्लॉयर जितना भी खर्चा कर रहा है इस क्रेडिट कार्ड पर, जैसे क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस वगैरह होती है, वो जितना भी क्रेडिट कार्ड को बनाने में या उसके एनुअल मेंटेनेंस फीस वगैरह का खर्चा करता है कंपनी, तो वो आप इसको टैक्सेबल कर दीजिएगा। जितना भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है अगर एम्प्लॉय से, तो माइनस ऑब्वियसली हो जाएगा। क्लब, जिम या रिक्रिएशनल फैसिलिटी, जैसे कि हम अपने इम्प्लॉयज को घुमाने के लिए कहीं पर ले गए हैं, रिक्रिएशन के लिए, इवेंट के लिए ले गए हैं, एक दो दिन और लंच के लिए ले गए हैं, डिनर के लिए ले गए हैं, और वो सिर्फ रिक्रिएशन फैसिलिटी के लिए। अगर हम देखें ये फैसिलिटी हम अपने इम्प्लॉयज को देते हैं यूनिफॉर्मली, जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम आउटिंग्स होती हैं वगैरह, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। रिक्रिएशनल फैसिलिटी टू इम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट होता है, इसको टैक्सेबल नहीं कीजिएगा। या फिर कोई जिम है, वहां पर हम अपने सिर्फ इम्प्लॉयज को अलाउ करते हैं कि हमारे इम्प्लॉयज जा सकते हैं, वो अपना आई कार्ड शो करेंगे और कोई भी इम्प्लॉय वहां पर जा सकता है, तो उस केस में वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर ये जिम वगैरह की, क्लब की फैसिलिटी किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर्स को भी प्रोवाइड की जाती है, तभी टैक्सेबल होता है। तो जितना भी कंपनी इसके ऊपर खर्चा करती है, तो इन दैट केस वो टैक्सेबल हो जाएगा, जो अमाउंट रिकवर किया जा रहा है वो माइनस कर सकते हैं, राइट? तो अगर ये उसके फैमिली मेंबर्स को या स्पेसिफिक एम्प्लॉय को ही प्रोवाइड की जा रही है, उस केस में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लब है, बट जो क्लब की ज्वाइनिंग फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस, सिर्फ उसको एग्जेम्प्ट करिएगा, बट जो रिकरिंग फीस होती है, एनुअल फीस वगैरह या मंथली फीस वगैरह, वो टैक्सेबल कर दीजिएगा। तो अगर प्रोवाइडेड यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज, सिर्फ एम्प्लॉयज को ही प्रोवाइड किया जाता है, सभी एम्प्लॉयज को, कोई भी जा सकता है कोई भी रिक्रिएशन वगैरह के लिए, ये फुली एग्जेम्प्ट रहता है। बट अगर ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है या फिर किसी उसके फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है।
However, initial club registration fees is exempt. जो initial जैसे subscription fees होती है ना, जो subscription का मतलब ये होता है कि जो first time registration fees होती है वो exempt हो जाएगी, जो regular fees होगी वो taxable हो जाएगी. Okay. Next is use of employer's movable assets. अगर हम इमूवेबल, मैंने क्यों नहीं बोला इमूवेबल, में वो हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन दे सकता है या फिर कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन दे सकता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, अगर हम कोई और दूसरा असेट अदर देन अकोमोडेशन या फिर मोटर कार फैसिलिटी भी, क्योंकि मोटर कार फैसिलिटीज के लिए स्पेसिफिक हम लोगों ने देख लिया उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं, उसके परचेज वैल्यू कैसे बनाएंगे. उसके अलावा अगर आपको कोई मूवेबल असेट्स दे दिए जाए यूज करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपके घर में एसी प्रोवाइड कर दिया कंपनी ने या आपके घर में कोई फर्नीचर प्रोवाइड कर दिया, तो उस केस में डिपेंड करता है ये जो फर्नीचर या एसी वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं कंपनी के ओन्ड थे या हायर्ड थे. अगर ओन्ड थे तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट लेनी होती है, वो परक्यूजिट बनता है 10% पर एनम, और जितना भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है वो ऑब्वियसली माइनस कर सकते हैं. बट अगर ये हायर्ड थे तो एक्चुअल हायर चार्जेस. अगर कंपनी ने एसी कहीं से हायर करके आपको दिया है तो जितना भी कंपनी खर्चा कर रही है इसके ऊपर, जितना भी वो रेंट पे कर रही है, वो परक्यूजिट बन जाएगा आपके लिए, माइनस ऑब्वियसली रिकवर जितना भी किया जा रहा है वो माइनस कर दीजिएगा. ठीक है, मोटर कार का परक्यूजिट हमने सेपरेटली देख लिया है. कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप, इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर या लैपटॉप अगर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो उस केस में कंप्यूटर या लैपटॉप का हम परक्यूजिट नहीं मानते हैं, दैट परक्यूजिट वैल्यू विल बी नल. बट उसके अलावा है तो उसको हम परक्यूजिट वैल्यू मानेंगे, डिपेंड करता है एम्प्लॉयर ओन थे या एम्प्लॉयर हायर थे. सेल ऑफ असेट्स, अगर हम कोई असेट अपने एम्प्लॉय को बेच देते हैं परमानेंटली, वहां पर क्या था, यूज था, यूज में मतलब टेम्पररी, जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तब तक आपको यूज करने के लिए दिया गया था. ये क्या है, दिस वन इज कि जहां पर हमने आपको एक्चुअली में वो असेट परमानेंटली बेच दिया, ठीक है, हम आपसे वापस नहीं लेंगे, हमने आपको बेच दिया, तो क्या ये भी बेनिफिट हो जाता है? आंसर इज येस. हो सकता है कि वो जब आपको असेट कंपनी ने बेचा हो तो आपको कुछ फायदा हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको एक कंप्यूटर बेच दिया. ठीक है सर, आपने तो बताया कंप्यूटर के लिए टैक्स फ्री है, अरे वो यूज के लिए बताया, यहाँ पर क्या था, कंप्यूटर ही आपको बेच दिया. तो आप ये देखते हैं कि इस कंप्यूटर की वैल्यू क्या थी, जब ये मुझे मिल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या है और मैं इसके कितने पैसे पे कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर कंपनी ने 1,00,000 का खरीदा था, कंपनी ने वो 1,00,000 का खरीदा था और कंपनी ने इसको यूज भी कर लिया. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 1-2 साल इसको यूज भी करा, उसके बाद ये कंप्यूटर थोड़ा पुराना हो गया, अब ये आपको दिया जा रहा है सिर्फ 2,000 रुपीज में, आपसे बोला जा रहा है कि आप 2,000 रुपीज में ले सकते हैं. आप बोलेंगे अरे बढ़िया कंप्यूटर है, दो अभी 1 या 2 साल ही हुए हैं यूज करे हुए, ज्यादा पुराना हुआ नहीं है, मैं इसको 2,000 में खरीद लेता हूँ, तो आपको फायदा हो गया. तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको 1,00,000 रुपीज का ये कंप्यूटर था 2,000 रुपीज में मिल गया है, क्या आपको 98,000 रुपीज का फायदा हो गया? द आंसर इज नो, क्योंकि ये कंप्यूटर यूज हुआ हो चुका था, तो ये पुराना कंप्यूटर था. तो आपको 1,00,000 माइनस 2,000 नहीं करेंगे, आप इसको जब 2000 से कंपेयर करेंगे तो आपको देखेंगे इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी है, इसकी अब की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यूज्ड कंप्यूटर है, पुराना कंप्यूटर है, तो आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन में निकालेंगे तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 25,000 रुपीज आ जाती है, कि आज इसकी जो वैल्यू है वो 25,000 रुपीज है, माइनस आपको कितने में मिल रहा है 2000 में, तो 23,000 पर यूज्ड वैल्यू बन जाएगी. राइट, तो जब भी सेल ऑफ असेट किया जाता है एम्प्लॉय को तो वो देखते हैं हम आपकी कि इस असेट की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी. तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएट, उसको डेप्रिशिएट करेंगे. अब डेप्रिशिएशन पर रेट क्या लगाएंगे, अब डिपेंड करता है वो असेट क्या था. अगर वो असेट देखिए कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स हैं तो उस केस में डेप्रिसिएशन का रेट लगेगा 50%. ठीक है, 50. सर पीजीवी में तो 40 लगता था, अरे मैं पीजीवीपी की बातें नहीं कर रहा हूं, ये जो हम डेप्रिसिएशन के रेट्स निकाल रहे हैं दिस इज व्हेन जब हम परक्यूजिट की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं. राइट, तो जब परक्यूजिट की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन के रेट थोड़े से अलग है. तो कंप्यूटर्स लैपटॉप्स वगैरह के लिए 50% आप निकालेंगे, 50% फॉर एवरी ईयर, और अगर मोटर कार है तो 20%. ये जो 50% कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के लिए निकाला या 20% मोटर कार के लिए निकाला, ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से आपने लोग निकालेंगे. राइट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और SLM मेथड आप जानते हैं क्या होते हैं, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से निकालेंगे कार्स के ऊपर या फिर कंप्यूटर्स के ऊपर. बट अदर असेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने आपको कोई AC बेच दिया, AC उन्होंने खरीदा था वो AC बेच दिया, दिस इज नॉट कंप्यूटर, दिस इज नॉट कार, तो इसके ऊपर जो बाकी के दूसरे असेट्स हैं उसके ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से रेट निकालेंगे और वो रेट लगाएंगे SLM मेथड से. राइट, समझ के, कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के ऊपर 50% WDV मेथड से, कार्स के ऊपर 20% का रेट लगाएंगे WDV मेथड से, अदर असेट्स के ऊपर 10% का रेट लगाएंगे SLM मेथड से. राइट, और
आपको सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं, पार्ट ऑफ द ईयर को इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर था 2 साल 10 महीने पुराना, तो आपको 10 महीने नहीं लेना है, तो आपको सिर्फ 2 साल का ही रेट लगाना है, तो पार्ट ऑफ द ईयर को प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। अब ये ईयर कहां से काउंट करेंगे, जब से ये असेट कंपनी ने परचेज किया था, क्या वहां से काउंट करेंगे? पुट टू यूज से, पुट टू यूज से। तो जब से ये इंप्लॉयर ने ये असेट यूज करना शुरू किया था पुट टू यूज से, और जब तक आपने खरीद लिया ये असेट, तो आप देखिए कितना पुराना ये असेट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आया 3 साल 10 महीने, तो 10 महीने को इग्नोर कर दीजिएगा, सिर्फ 3 साल को लीजिएगा। तो आप इसकी परचेज वैल्यू कैसे कंप्यूट करते हैं? रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द असेट माइनस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब ये रिटर्न ऑन वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने आपको बता दिया, कंप्यूटर्स लैपटॉप या डेटा स्टोरेज डिवाइस पर 50% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, मोटर कार के ऊपर 20% रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, अदर एसेट्स के ऊपर 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। अब ये जब ये रेट लगाइएगा तो सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स के लिए लगाइएगा, ठीक है, पार्ट ऑफ द ईयर को आप इग्नोर कर देंगे। दूसरी बात, कब से ये शुरू करेंगे रेट लगाना? जब से पुट टू यूज हुआ है। क्लियर हो गया? पार्ट ऑफ द ईयर शैल बी इग्नोर, पुट टू यूज से आप लोग ये रेट लगाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट। मेडिकल फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को। यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आएगा? एम्प्लॉय के स्पाउस और चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट ये कवर्ड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चिल्ड्रन और स्पाउस कवर्ड है, वेदर वो डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पर या नहीं है दैट इज इररिलेवेंट। दूसरा आएंगे पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर भी आ सकते हैं अगर वो डिपेंडेंट है। मैंने बोला पेरेंट्स, एम्प्लॉय के पेरेंट्स, एम्प्लॉय के अगर फादर इन लॉ मदर इन लॉ है वो कवर्ड नहीं है, उनके लिए अगर परक्यूजिट प्रोवाइड किया गया तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के लिए किया गया तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि फैमिली की डेफिनेशन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आ रहा है स्पाउस या चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। दूसरा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स, इंप्लॉय के पेरेंट्स, इंप्लॉय के स्पाउस के पेरेंट्स नहीं, इंप्लॉय के पेरेंट्स या ब्रदर एंड सिस्टर, दैट्स इट। इसके अलावा अगर किसी और के लिए परक्यूजिट प्रोवाइड किया जा रहा है फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा, इन लोगों के लिए एग्जेम्प्ट कर सकते हैं वो भी। दूसरी बात है कि अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयर का ओन्ड था, तो टैक्स फ्री रहेगा। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ये मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। या फिर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, बट ऐसा हॉस्पिटल है जो अप्रूव्ड है बाय इनकम टैक्स, यानी कि बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर से अगर वो अप्रूव्ड है, और साथ साथ में प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए, दो चीज़ें हैं वहाँ पर, अप्रूव्ड होना चाहिए बाय कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, और साथ साथ में वो प्रिस्क्राइब डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और या फिर एक और आ चुका है यहाँ पर, कोविड रिलेटेड अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है तो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, वहाँ पर कोविड सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि कोविड पॉजिटिव था, और साथ साथ में वो मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ विद इन 6 मंथ्स, जब से वो कोविड पॉजिटिव था तब से विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए ट्रीटमेंट। ओके, तो मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट रहेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जेम्प्ट रहेगा, प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए विच इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर से हॉस्पिटल अप्रूव्ड है। हॉस्पिटल का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल भी हो सकता है, नर्सिंग होम भी हो सकता है, क्लिनिक भी हो सकता है, राइट। तो ये अगर अप्रूव्ड है तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। या फिर COVID-19 के लिए अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। COVID-19 के लिए कुछ और कंडीशन हैं, एक तो COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट या मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए, और साथ साथ में जो भी ट्रीटमेंट हुआ हो वो विद इन 6 मंथ्स हुआ हो फ्रॉम द डेट ऑफ COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट। ओके, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है एम्प्लॉय के लिए या इवन एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के लिए, तो वो एग्जेम्प्ट रहता है। लाइफ इंश्योरेंस फुली टैक्सेबल है, बट हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, ये एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये नॉन फैमिली मेंबर्स के लिए प्रोवाइड किया गया, प्लीज इसको फिर आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है उस केस में, देखो आउटसाइड इंडिया अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो 3 खर्चे होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा, वो किसका होगा? पेशेंट का। दूसरा, वहां पर जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होंगे, तो वहां पर अलाउड है, पेशेंट तो जाएगा ही जाएगा, साथ में एक अटेंडेंट अलाउड है, एक अटेंडेंट जा सकता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अटेंडेंट गए तो बाकी सबका टैक्सेबल कर दीजिएगा, एक अटेंडेंट तक का एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तीसरा खर्चा होता है वहां पर रहने का खर्चा, स्टे का खर्चा। ठीक है, वहां पर भी कौन कौन रहेगा? पेशेंट रहेगा और एक अटेंडेंट रह सकता है वहां पर, तो ये 3 एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम इसको कैसे देखते हैं? जो ट्रीटमेंट और एक्सपेंसेस हुए हैं वो एग्जेम्प्ट होते हैं एज पर RBI लिमिट। अब RBI लिमिट कितनी होती है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अप टू RBI लिमिट एग्जेम्प्ट करिएगा।
अगर आपको एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है जो कि आपका खर्चा हो रहा है आरबीआई लिमिट से ज्यादा, तो जितना एक्सेस हो रहा है उतना टैक्सेबल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई लिमिट है 1 लाख, एक्सपेंसेस आपको जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो 1,20,000 रुपीज है, तो 20,000 जो एक्सेस है वो टैक्सेबल कर दीजिएगा। स्टे के एक्सपेंसेस प्लस वन अटेंडेंट के एक्सपेंसेस, सेम ट्रीटमेंट अप टू आरबीआई लिमिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर आप आरबीआई लिमिट मत देखिएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलाउड होंगे प्लस वन अटेंडेंट के अलाउड होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी जीटीआई कितनी है, एम्प्लॉय की अगर जीटीआई 2 लाख रुपीज से ज्यादा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फुली टैक्सेबल हो जाएंगे, बट अगर वो 2 लाख रुपीज है या 2 लाख रुपीज से कम है तो उस केस पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो वो जीटीआई पर डिपेंड करता है, प्लीज 2 लाख वाली लिमिट याद रखिएगा, 2 लाख से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, 2 लाख से कम है या 2 लाख है तो फिर एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लीव ट्रैवल कंसेशन और परक्यूजिट और टैक्स फ्री परक्यूजिट्स और बचे हैं, तो एक काम करते हैं इस लेक्चर में हम परक्यूजिट्स कंप्लीट कर लेते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। मैं बहुत लंबी नहीं क्लास लेना चाहता यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा हम ठीक से कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, मैं आपको बता दूं कि लीव ट्रैवल कंसेशन इज ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ ऑप्शनल टैक्स रिजीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अगर एसएससी फॉलो कर रहा है और अगर उसको एलटीसी प्रोवाइड किया जाता है लीव ट्रैवल कंसेशन तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में फुली टैक्सेबल है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में ये एग्जेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन होता क्या है, हम एम्प्लॉयज को या उसके फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हैं कि आप घूमने के लिए जा सकते हैं विद इन इंडिया और आपका जो ट्रैवल का खर्चा होगा सिर्फ ट्रैवल का खर्चा होगा, ठीक है, फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। लेट्स से फ्रॉम एम्प्लॉयज वर्किंग इन दिल्ली, वो दिल्ली से घूमने के लिए गोवा जा रहा है, तो दिल्ली से गोवा जाने का और आने का खर्चा, वहाँ पर रहने वगैरह का नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जब आप अपने घर से दिल्ली के एयरपोर्ट तक गए होंगे या रेलवे स्टेशन तक गए होंगे तो वो खर्चा भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इवन अगर आपने वहाँ पर अगर रेलवे स्टेशन पर फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्रेट चार्जेस दिए होंगे, कुली को चार्जेस दिए होंगे, हम वो भी इंक्लूड नहीं करते हैं। हम सिर्फ फ्रॉम लेट से बाय ट्रेन ट्रैवल हो रहा है लेट से, तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन से जो गोवा तक के रेलवे स्टेशन का खर्चा है और फिर वापस का खर्चा सिर्फ हम उसी को एग्जेप्ट करते हैं, करेक्ट, ठीक है। आने का सॉरी जाने का और आने का ही खर्चा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ओरिजिन दिल्ली था और डेस्टिनेशन गोवा है तो आप ऐसा नहीं कि पहले आप दिल्ली से कश्मीर घूमने के लिए जा रहे हैं, फिर कश्मीर से फॉर एग्जाम्पल गुजरात में कहीं पर चले गए, फिर गुजरात से फिर आप मुंबई आ गए, फिर गोवा जा रहे हैं, तो ऐसे हम सर्कुलर जर्नी नहीं देखते हैं, हम शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस देखते हैं। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस कि आपकी ओरिजिन क्या था दिल्ली और लास्ट डेस्टिनेशन थी गोवा, तो वहां से शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस का फेयर कितना बनता है उतना एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अगर आप नॉन फैमिली मेंबर्स के लिए जाते हैं तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ फैमिली मेंबर्स अलाउड है और फैमिली मेंबर्स के डेफिनेशन में वही आते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, स्पाउस और चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और नॉन डिपेंडेंट, और अगर पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं तो वो डिपेंडेंट होने चाहिए एम्प्लॉय पर, तभी वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि चिल्ड्रन क्या सारे के सारे चिल्ड्रन कवर्ड होते हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है चाइल्ड की, अगर वो 1 अक्टूबर 1998 से पहले की है, ठीक है, अगर वो 1 अक्टूबर 1998 से पहले की है तो फिर तो कितने भी चिल्ड्रन अलाउड होते हैं, बट अगर किसी की चाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 या उसके बाद की है तो सिर्फ 2 चाइल्ड ही अलाउड होते हैं ऐसे, राइट। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ बात की है 1 अक्टूबर 1998 तो मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अभी ये डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1998 के बाद की ही होगी, तो ऐसे बच्चे सिर्फ 2 ही अलाउड है, ठीक है। बट हाँ, इसमें एक और चीज़ आ जाती है ट्विंस की, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चाइल्ड था एम्प्लॉय का, उसके बाद वो ट्विंस हो गए, उसको लगा था एक ही चाइल्ड होगा बट वो ट्विंस हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद अगर ट्विंस हो जाते हैं तो फिर ट्विंस को फिर हम सिंगल ही काउंट करेंगे, यानी कि उस केस में फिर हम एक पहले से बच्चा था, 2 बच्चे जो ट्विंस हो गए उनको भी ले जा सकते हैं, ठीक है। बट अगर पहले से ट्विंस थे उसके बाद चाइल्ड होता है, पहले ट्विंस थे तो फिर वो हम 2 ही काउंट करेंगे ट्विंस को। तो ट्विंस की यहाँ पर जो हमने ग्रेस दिया है वो हमने तभी दिया है कि एम्प्लॉय को पता नहीं था बट फिर भी ट्विंस हो गए, तो उस केस में तो हम फिर दोनों को ही अलाउड करना पड़ेगा, यानी कि ट्विंस होते हैं आफ्टर फर्स्ट बर्थ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। पहले से एक चाइल्ड था, बाद में ट्विंस हो गए तो वो ट्विंस को एक ही काउंट होगा, बट पहले से अगर ट्विंस थे तो फिर तो वो पहले से पता थे, उसको पहले से पता था, फिर बाद में चाइल्ड होता है, बाद में सिंगल चाइल्ड होता है, पहले से ट्विंस थे तो उस केस में तो पहले से एम्प्लॉय को पता था 2 ट्विंस थे, फिर तो 2 ही काउंट हो गए, ठीक है। ट्विंस काउंटेड एज 1 इफ बॉर्न आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड, राइट, ओके। अब देखते हैं कि एग्जम्पशन हमें कितनी मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि आपने ट्रैवल कैसे किया था, अगर ट्रैवल बाय एयर किया था, अगर ट्रैवल बाय एयर किया था तो हम यहाँ पर
अब आपने हो सकता है अलग अलग कोई भी एयरलाइन से ट्रैवल किया हो सकता है आपने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया हो, बट इसमें हम मैक्सिमम जो एग्जम्पशन दे सकते हैं आपको वो दे सकते हैं इकोनॉमिक क्लास फेयर, वो भी बाय नेशनल कैरियर, मतलब एयर इंडिया, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस इसका, ठीक है, किसी और एयरलाइंस का नहीं, नेशनल कैरियर का, और वो भी सिर्फ इकोनॉमिक क्लास फेयर, बिजनेस क्लास फेयर नहीं देते। बट अगर आपने ट्रैवल बाय एयर किया है तो समझ में आता है, ट्रैवल बाय एनी अदर मोड किया है, फॉर एग्जांपल आपने बाय ट्रेन ट्रैवल किया है, या बाय आपने खुद की अपनी कार से ट्रैवल किया है, या फिर बस से ट्रैवल किया है, किसी भी दूसरे मोड से ट्रैवल किया है, फिर हम कितनी एग्जम्पशन देते हैं। फिर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अब आपने ट्रैवल किया है, जो आपका ओरिजिन और डेस्टिनेशन थी, क्या वहां पर ट्रेन चलती है, वेदर दीज प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय रेल, अगर रेल से कनेक्टेड है तो हम मैक्सिमम आपको एग्जम्पशन दे सकते हैं जितना फर्स्ट क्लास रेल फेयर होता है, जितना फर्स्ट क्लास रेल फेयर होता है बिटवीन दीज प्लेसेस का। बट अगर वो कनेक्टेड बाय, अगर वो जो प्लेसेस हैं रेल से कनेक्टेड नहीं थे, अगर वो रेल से कनेक्टेड नहीं थे, आपने ट्रैवल किसी भी मोड से किया है, हम सिर्फ ये देखते हैं क्या रेल से कनेक्टेड है या रेल से कनेक्टेड नहीं है। इनकेस वो रेल से कनेक्टेड नहीं है, उस केस में हम देखते हैं कि क्या कोई दूसरा रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, रिकॉग्नाइज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, तो उसका जो भी फर्स्ट क्लास या डिलेक्स क्लास का फेयर होता है हम उसको देखते हैं कि वहां तक वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा रिकॉग्नाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरा रिकॉग्नाइज सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम ये देखते हैं कि अगर ये प्लेसेस रेल से कनेक्टेड होते तो रेल का डीम्ड फेयर क्या होता, वो डीम्ड फेयर का फर्स्ट क्लास हम वहां तक एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बाय एयर ट्रैवल करा है तो इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर ऑफ नेशनल कैरियर, बाय एनी अदर मोड ट्रैवल करा है तो सिर्फ देखिए क्या वो प्लेसेस रेल से कनेक्टेड हैं, अगर रेल से कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, फिर फर्स्ट क्लास रेल फेयर, और रेल से कनेक्टेड नहीं है, क्या और रिकॉग्नाइज सिस्टम है, दूसरा रिकॉग्नाइज सिस्टम है, तो उसका जो डिलक्स क्लास होता है या फर्स्ट क्लास होता है उसका फेयर, या अगर वो भी कनेक्टेड नहीं है तो फिर डीम्ड रेल फेयर हम लोग ले लेते हैं। LTC ने दोबारा से बताया है ऑप्शनल टैक्स स्कीम फॉलो कर रहे हैं तभी हम LTC अलाउ कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हम LTC अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी बात, हम LTC के हर साल क्लेम कर सकते हैं अगर ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो, क्या हम हर साल क्लेम कर सकते हैं? आंसर इज नो, चार साल के ब्लॉक में हम सिर्फ दो बार ही इसको क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम ये दो बार अलाउड होता है। तो अभी जो करंट ब्लॉक चल रहा है वो चल रहा है 2022, 2023, 2024, 2025 वाला जो करंट ब्लॉक चल रहा है, और आपको याद नहीं करना है बट सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि चार साल के ब्लॉक में सिर्फ हम दो बार इसको एंजॉय कर सकते हैं ये एग्जम्पशन। फॉर एग्जाम्पल हम ये एग्जम्पशन चार साल के जो हमारा ब्लॉक था वो उसमें हम ले नहीं पाए हैं, या फिर एक एग्जम्पशन ले पाए हैं, तो आप मैक्सिमम अपनी एक एग्जम्पशन को जो आप एग्जॉस्ट नहीं कर पाए थे, जो आप अवेल नहीं कर पाए थे, उसको कैरी कर सकते हैं, उसको कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, बट सिर्फ एक ही एग्जम्पशन को, याद आ गया आपको, सिर्फ एक एग्जम्पशन को आप कैरी कर सकते हैं, वो भी आपको जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसके वेरी फर्स्ट ईयर में ही ये आपको अवेल कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही अलाउड होता है, वो भी नेक्स्ट ब्लॉक के वेरी फर्स्ट ईयर में ही आप अलाउ कर सकते हैं। फैमिली का मतलब आप लोग जानते हैं, स्पाउस और चिल्ड्रन, डिपेंडेंट नॉन डिपेंडेंट दोनों चलेंगे, बट पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर अगर डिपेंडेंट है तो ही यहाँ पर अलाउड होते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितनी मिलती है? जितना एक्चुअल LTC रिसीव हुआ या जितना एक्चुअल एक्सपेंसेस आपने किए हैं जो आपको एम्प्लॉयर से मिले हैं, और जितने एक्सपेंसेस किए और जितना भी हमने रेल फेयर या एयर फेयर डिसाइड किया, इन तीनों में से जो भी लिस्ट होता है आपको इतनी एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है। देर आर सम परक्यूसिट्स विच आर टैक्स फ्री, टैक्स फ्री ये बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट मैंने यहाँ पर इसको एक जगह पर एक्यूमुलेट कर दिया है। कुछ परक्यूसिट्स हैं जैसे टैक्स फ्री होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन सिटीजन है पोस्टेड अब्रॉड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको हम जो सैलरी देते हैं दैट इज डीम्ड टू राइज इन इंडिया, बट जो हम उसको उनको परक्यूसिट्स देते हैं या अलाउंसेस देते हैं, फॉरन परक्यूसिट्स या फॉरन अलाउंसेस देते हैं हम, दैट इज एक्सेप्ट, वो टैक्स फ्री परक्यूसिट्स होते हैं इन बोथ द रिजीम्स। अगर हम, मैंने जैसे बताया था कि जो अकोमोडेशन है अगर हमने 15 डेज तक के लिए प्रोवाइड किया, ट्रांसफर किया एम्प्लॉई का, बट 15 डेज तक के लिए अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो टैक्स फ्री होता है। अकोमोडेशन इन रिमोट एरिया हमने देखा था एग्जेम्प्ट होता है। अगर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हम आपको देते हैं घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से वापस घर आने के लिए, अगर हम आपको कैब फैसिलिटी देते हैं, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते हैं, दैट इज अगेन एग्जेम्प्ट परक्यूसिट। एम्प्लॉयज की एजुकेशन के ऊपर, चिल्ड्रन के लिए नहीं, फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं, एम्प्लॉय की एजुकेशन के ऊपर या उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज अगेन एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर चिल्ड्रन के लिए हो रहे हैं तो 1000 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होते हैं, बट अगर ये चिल्ड्रन को जो एजुकेशन दी जा रही है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तब 1000 तक एग्जेम्प्ट कर देते हैं।
इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन अगर 20,000 रुपीज से ज्यादा का नहीं है, पेटी लोन है, तब हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। या फिर अगर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है इंप्लॉयर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्रिस्क्राइब डिजीज में एंड विच इज अप्रूव्ड बाय कमिश्नर या चीफ कमिश्नर, तो भी हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट कर देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होता है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, लाइफ इंश्योरेंस को टैक्सेबल कर दीजिएगा। रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट होते हैं। मील दी जाती है 50 रुपीज तक एग्जेम्प्ट होती है, इन एक्सेस ऑफ 50 टैक्सेबल कर देंगे। बट अगर ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हैं तभी ऐसा करना, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो फिर फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा, बट रिफ्रेशमेंट टैक्सेबल नहीं होते। यूज ऑफ कंप्यूटर या लैपटॉप, कंप्यूटर लैपटॉप सिर्फ यूज करने के लिए दिया गया है, एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर हमारे हमें कोई नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स मिलते हैं, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया या मोटर कार की फैसिलिटी मिल गई, अगर इसका टैक्स भी, इसके ऊपर जो टैक्स आता है, अगर वो एम्प्लॉयर हमें पे कर देता है इसका टैक्स भी, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। याद आता है आपको, ठीक है, पुरानी बातें थी। तो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, ये बात हम पीजीबी में भी पढ़ते हैं, हम पीजीबी में ये पढ़ते हैं कि एम्प्लॉयर ने अगर खर्चा कर किया टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, तो हम एम्प्लॉयर के लिए अलाउ नहीं करते, एम्प्लॉयर के लिए वो एक्सपेंसेस हम अलाउ नहीं करते, सेक्शन 40 स्मॉल डिस अलाउ कर देता है। और क्योंकि हमने इसके ऊपर जो टैक्स लगाया वो एम्प्लॉयर के ऊपर ही लगा दिया है, तो इसलिए हम एम्प्लॉय के ऊपर ये टैक्स नहीं लगाते, एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। तो अगर हमारा नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर टैक्स हमारा एम्प्लॉयर पे कर देता है, दैट इज एग्जेम्प्ट फॉर एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ दिस टैक्स, अगर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के ऊपर जितना भी टैक्स बनता है, अगर इससे ज्यादा टैक्स हमारा एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो जितना उसने एक्स्ट्रा पे करा है, तब वो टैक्सेबल हो जाएगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट से उसके ऊपर टैक्स बनता है 10,000 रुपीज का, हमारा एम्प्लॉयर 10,000 रुपीज पे कर देता है, तो वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट है। बट अगर हमारा एम्प्लॉयर 11,000 रुपीज पे कर दे, तो जो 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, तो दैट वुड बी टैक्सेबल इन हर एंड्स, बिकॉज वो फिर हमारी ऑब्लिगेशन हो जाएगी विच इज मेड बाय एम्प्लॉयर, वो हमारी ऑब्लिगेशन हो जाती है विच इज मेड बाय एम्प्लॉयर। और आपको ये याद भी आ गया होगा कि टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कैसे निकालते हैं, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी एग्जामिनर शायद पूछ ले आपको, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता ये वाला कंसेप्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, ये बात है, हम टीडीएस के चैप्टर में भी पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि हम पहले ये देखते हैं कि हमारी इनकम के ऊपर टोटल कितना टैक्स बनता है, इंक्लूडिंग परक्विजिट देखते हैं कि हमारी टोटल इनकम के ऊपर कितना टैक्स बना। ठीक है, फिर हम अपना टैक्स रेट निकालते हैं, एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं, टैक्स डिवाइडेड बाय हमारी टोटल इनकम से एवरेज टैक्स रेट निकालेंगे। फिर हम देखते हैं कि हमारे परक्विजिट्स कितने हैं, परक्विजिट्स के ऊपर वो टैक्स रेट लगाकर हम देखते हैं कि टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट कितना बनता है। आई बिलीव ये बातें आपको याद आ गई होंगी, ये बातें मैं आपको टीडीएस के चैप्टर में भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, परक्विजिट्स यहाँ पर हमारे खत्म होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बचे हैं, कुछ और बातें हैं, बट ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो इसको अभी हम यहाँ तक ही रखते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में अपने सैलरी चैप्टर को खत्म करेंगे, जहाँ पर हम अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी वगैरह की बातें करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, होपफुली कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि क्वेश्चन बैंक भी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँ, तो मैं कुछ दिन में क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दूंगा, तो वहां से कर सकते हैं। टिल द टाइम बीइंग, जब तक मैं अपलोड नहीं करता हूँ, जो आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं इसके, प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा, स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके पास पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे, एमटीपी के क्वेश्चंस होंगे, आरटीपी के क्वेश्चंस होंगे, प्लीज़ उनको रिवाइज करते रहिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।